ध्यान से सुनना। सबसे पहला चीज तो इस चैप्टर से कुछ भी नहीं हटाने वाला है तुम लोग को। पिछले साल भी आया था ये चैप्टर, पहले भी आया था, और इस बार भी नहीं हटाएगा एक टॉपिक भी। तो इसमें अच्छे से पढ़ो, इसमें बहुत सारा चीज जो पढ़ना है वो तुमको यहाँ स्कोप ऑफ सिलेबस में दिया हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, इसमें भी न्यूमेरिकल है, गिव रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत सारा नया नया चीज तुमको पता चलेगा। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, तुम लोग ऑलरेडी जानते हो कि वर्क क्या होता है, ठीक है? ऐसा तो नहीं है कि वर्क के बारे में नहीं जानते हो, डेली तुम लोग कोई ना कोई काम करते हो, ठीक है? तो वर्क जो होता है फिजिक्स के अकॉर्डिंग होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क को क्या बुलाया जाता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जैसे कि क्या होता है, अगर पढ़ा हुआ है तुम लोग यहाँ पे सबसे पहला चीज कि एक किताब पढ़ा हुआ है टेबल पे, तुम इस पे फोर्स लगाया, तुम इस पे क्या लगाया? फोर्स। और ये किताब जो है भैया यहाँ से यहाँ क्या कर गया? मूव कर गया। तो ये जो तुम यहाँ से यहाँ मूव कराया, से 2 मीटर मूव करा दिया 10 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद, तो तुम कितना वर्क किया? तुम भैया 10 × 2 हम 20 वर्क किए। अब 20 क्या वर्क के, इसका यूनिट क्या है वर्क का, तो चलो निकाल लेते हैं। फोर्स का यूनिट बताओ तुम लोग क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन। और डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। न्यूटन मीटर को हम लोग बुलाते हैं जूल। न्यूटन मीटर को क्या बुलाते हैं? जूल। यहाँ पे देखिए भैया ये दोनों का दोनों जो है ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया है। तो वर्क इक्वल्स टू क्या आ जाता है तुम्हारा, इसका ऐसा यूनिट जूल आ जाता है। तो ये पहला बात इसका ये हो गया। तो सबसे पहला चीज हम लोग यहाँ पे यही बात करेंगे, वर्क इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। स्केलर वेक्टर क्या भी हम लोग आएंगे उस पे भी। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे आ जाओ, क्या लिखता है सुनना मेरा बात। वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी मेक्स द बॉडी मूव इन, ठीक है, दैट इज देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी का क्या हो? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, हम तुम लोग से पूछते हैं बताओ मेरे को कि किस तरफ बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा इन दी डायरेक्शन ऑफ दी अप्लाइड फोर्स। वेरी गुड। तो यहाँ पे ये चीज तुमको पता चल रहा है कि इस बॉडी का क्या है डायरेक्शन, तुमको पता है। और कोई भी चीज का डायरेक्शन पता रहता है तो उसमें तुम्हारा अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इन्वॉल्व है, तुम ही लोग बताओ वो क्वांटिटी कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी होता है। वो कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे जैसे बता रहा है, इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इवन व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट, वर्क डन इज सेड टू बी जीरो। तो इसमें ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द कंडीशन फॉर अ बॉडी, ठीक है, या व्हाट आर द कंडीशन फॉर अ बॉडी जिसमें क्या हो जाता है? वर्क डन जीरो हो जाता है। तो पहला तो यहाँ पे यही चीज बता रहा है, अगर तेरा डिस्प्लेसमेंट जो है अगर जीरो हो जाएगा तो भैया W इज इक्वल टू F इंटू S। तुम यहाँ पे 1000 न्यूटन लगा भी दो, अगर दीवार भैया आपका नहीं मूव किया है तो नो वर्क इज डन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। यहाँ पे ये बच्चा क्या कर रहा है? दीवार पे फोर्स लगा रहा, पसीना पसीना हो गया, ठीक है, पसीना पसीना हो गया, लेकिन ये दीवार नहीं हुआ। अगर ये लड़का कोई काम नहीं किया है, समझ में आया ये चीज? तो सबसे पहला चीज तो यही बताए, वर्क क्या होता है? वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी मेक्स द बॉडी मूव, दैट इज देयर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में भैया हम क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे। ये लड़का अगर गाड़ी को इधर धकेल रहा है तो गाड़ी इधर ही जाएगा, ना कि पीछे जाने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया मेरा फोर्स जो लग रहा है उसके डायरेक्शन में, आगे की डायरेक्शन में लग रहा है। तो यही चीज यहाँ बता रहा है। हाउएवर इफ ए मैन ट्राइज टू पुश अ वॉल, अ चाइल्ड ट्राइज टू पुश अ हेवी स्टोन एंड दे आर अनेबल टू मूव इट, साइंटिफिकली नो वर्क इज बींग डन बाई देम। तो साइंस फिजिक्स कहता है कि कोई काम तुम नहीं किए हो। हियर वी अज्यूम दैट फोर्स डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स एक्ट थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट। If a force acts on a body and the body does not move, the displacement is zero, then no work is done. तो यहाँ पे अब देखो क्या लिखता है, work is a scalar quantity. Work कैसा quantity है? Scalar quantity है, ठीक है? तो तुम लोग ये चीज समझो, force और displacement दोनों का दोनों जो है वो कैसा quantity है? Vector quantity है, but उनका जो product आता है वो कैसा product आता है? Scalar आता है। तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? तुम लोग जो बोल रहा था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के लिए बोल रहा था, वो जो दोनों है, दोनों का दोनों कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना। अभी एक और बात आएगा थोड़ा देर चल के, उसके बाद फिर क्वेश्चन होगा तो पूछना। सिमिलरली अ कूली डज नॉट वर्क व्हाइल स्टैंडिंग विद अ हेवी लोड। मान लो यहाँ पे कूली या तेरे कोई तेरा माथा पे बैग लगा के खड़ा करा देते ऐसे करके,
तो भी तुम कुछ नहीं कर रहे हो, जबकि तुम्हारा इतना भारी वजन तुमको लग रहा है, भैया मेरे माथा पे फोर्स लग रहा है, हमको ताकत लग रहा है कितना इसको उठाने पे, लेकिन फिजिक्स कहता है कि नो वर्क इज डन। क्यों? क्योंकि भैया फोर्स तो लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। भैया ये जीरो हो गया तो वर्क डन भी जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तुम्हारा जीरो आ जाएगा। तो बस यही चीज बताया। अब आता है मेजरमेंट ऑफ वर्क, तुम वर्क को कैसे मेजर करोगे, चलो वो चीज बताते। इफ फोर्सेस F1 एंड F2 मूव टू डिफरेंट डायरेक्शन बाय द सेम डिस्टेंस द वर्क डन बाय, हाँ लक्ष्य कुछ नहीं भैया वो गलती से स्टार्ट हो गया लक्ष्य। यहाँ पे बोलता है इफ टू फोर्सेस, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ फोर्सेस F1 एंड F2 जिसमें से बोल रहा है कि F1 फोर्स F2 से कम है, मूविंग टू डिफरेंट बॉडीज बाय द सेम डिस्टेंस The work done by the force F1 is said to be more than, दिख भैया क्या मजाक करता है यहाँ पे बोल रहा है क्या, ये लड़का जो है ठीक है और एक और लड़का है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं, ये भी 2 मीटर मूव किया, ये भी 2 मीटर, लेकिन ये लड़का 10 न्यूटन लगाया, ये लड़का 20 न्यूटन लगाया। अब तुम लोग बताओ कौन ज्यादा वर्क किया, ए की बी? बी भैया, भैया ये कितना किया, ये 100 किया, ठीक है सॉरी 100 बोलते हैं, ये 20 किया और ये कितना कर रहा है तुम्हारा, 40 कर रहा है, तो बी तुम्हारा ज्यादा काम कर रहा है, तो यहाँ पे यही चीज बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है इज सेड टू बी मोर देन दैट बाय द फोर्स F2। फिर उसके बाद क्या कर देगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज कर देगा और सेम फोर्स लगाएगा। तो एक बात बताओ इससे हम लोग क्या निकाले रिजल्ट, इससे ये निकाले कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, इसी से आ जाता वर्क इक्वल्स टू F into S। समझ में आया सब बच्चा लोगों को? हाँ भैया। ओके अब इसके बाद देख फिर क्या लिखता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डिपेंड्स ऑन बोथ फैक्टर, वो दो फैक्टर क्या है, एक फोर्स है और एक तुम्हारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये क्या बोला है यहाँ पे, ये यही कहना चाहता है कि अगर वर्क का जो डायरेक्शन होता है नहीं निकाल सकते, इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, बट वहां पे जो डायरेक्शन देख रहे हैं वो किसके कारण से आ रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ द क्या हो जाता है, अप्लाइड फोर्स के कारण से आ रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक नया बात तुमको पता चलने वाला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा न्यूमेरिकल के क्वेश्चन के लिए, तो ध्यान से खाली सुनो। पहला चीज तो यहाँ पे यही बात बता रहा है कि जैसे एक बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है, इस पे हम फोर्स लगाया, ये बॉडी यहाँ से यहाँ मूव किया, डिस्प्लेसमेंट इसका एस आ गया, तो वर्क डन जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एफ इंटू एस आ जाएगा। वर्क डन जो है वो क्या आ जाएगा, एफ इंटू एस आ जाएगा। सीधा सा चीज है, हियर वी अज्यूम दैट फोर्स डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट एंड इट एक्ट्स थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे ये कहना चाहता है कि 10 न्यूटन जो लगा रहे थे वो कंटिन्यूसली लगा रहे थे जब तक ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा था, से अगर 2 मीटर ही मूव किया तो तुम 2 मीटर तक कंटिन्यूअसली 10 न्यूटन लगाते गया। इफ अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी डज नॉट मूव, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, देन नो वर्क इज डन। भैया देखिए यहाँ पे एफ इंटू एस, एस आप जीरो लगा दिए तो यहाँ पे देखिए फोर्स चाहे कितना भी आ जाए, वर्क डन तो क्या आ गया, जीरो आ गया, वर्क डन तो क्या आ गया, जीरो। और यहाँ पे ये ध्यान रखना वर्क कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। अब हम तुमको ये बात जो बताने जा रहे हैं, ठीक है, ये स्कूल में पढ़ाएगा भी नहीं और निकल लेगा टीचर लोग, तो इसको जरा सा ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे हम तुमको बताएंगे कि ये चीज कहाँ से आया। अब तुमको पता चलेगा वर्क का एक फॉर्मूला होता है एफ इंटू एस और एक फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। अब तुमको यही चीज हम समझाएंगे कि ये कॉस थीटा कहाँ से आया है। चलो देखो, लिखता है इट इज नॉट नेसेसरी दैट फोर्स ऑलवेज कॉजेज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन इट्स ओन डायरेक्शन। हमेशा जरूरी नहीं होता, जैसे यहाँ पे क्या हुआ ना भैया, आप यहाँ पे फोर्स लगाए तो गाड़ी जो है या ऑब्जेक्ट जो है वो आगे चला दिया। अब यहाँ पे जैसे हम क्या करते हैं, अपना बाइक को चढ़ाना चाहते हैं प्लैंक के ऊपर, ठीक है, अपना बाइक को चढ़ाना चाहते हैं प्लैंक के ऊपर, हम फोर्स लगा रहे सीधा और मेरा गाड़ी जा रहा है ऊपर, मेरा गाड़ी कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो तुम लोग एक बात बताओ, क्या यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन और बॉडी का डायरेक्शन एक तरफ है कि अलग अलग तरफ है? अलग 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 तरफ है, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट फोर्स ऑलवेज कॉजेज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन इट्स ओन डायरेक्शन। जरूरी नहीं है हमेशा हो, ये तभी होगा जब ऑब्जेक्ट सीधा घूम जा रहा है, ये तभी बस पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, सीधा जा रहा है, हर वक्त ऐसा नहीं होता है। जैसे एक और केस बताते, तुम मेरे को बताओ, अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है,
मान लेते हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना जरा सा, हम यहाँ पे क्या किए, पत्थर को ठीक है पहले तो ऊपर फेंके, ठीक है पत्थर को क्या किए ऊपर फेंके, तो मेरे को बताओ यहाँ पे हम फोर्स किस तरफ लगाए हैं अभी, अपवर्ड। लेकिन ये पत्थर घूम के वापिस से किस तरफ जाने वाले लगे, मतलब ऊपर तो गया एक जगह ठीक है, फिर उसके बाद पत्थर नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, तो यहाँ पे भी भैया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन पे नहीं है, तो उस केस में कैसे वर्क डन निकलता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स जो है हम लगा रहे किसी ऑब्जेक्ट में और उस डायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में नहीं है, तो हम लोग कैसे वर्क डन निकालेंगे भैया वो बताओ। तो चलो बताते तुम लोग को, वी कैन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स इन टू वे। पहला बताता है बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब भैया ये चीज क्या हुआ ये बताइए, तो हम तुमको यही चीज आज बताना चाह रहे थे क्लास में, तो ध्यान से देखना, इस पे एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वो क्वेश्चन क्या है वो बाद में बताएंगे, पहले तो ये समझो कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, और दूसरा चीज बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो चलो हम लोग समझते हैं कंपोनेंट। अब तुमको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री तुम लोग नाइन्थ क्लास में पढ़ा है, बहुत सफिशियंट है इसको समझाने के लिए मेरे को, तो तुम लोग जरा से यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे पहले एक अरेंजमेंट समझो, उसके बाद हम लोग सब चीज डिस्कस करेंगे, जिससे जो क्वेश्चन पूछेंगे प्लीज वो बताते रहना मेरे को। यहाँ पे तुम लोग पढ़ा है ठीक है, ये एक प्लैंक है, एबीसी जो है वो क्या है एक प्लैंक है, दिख गया सबको। अब यहाँ पे हम क्या किए, ऐसे करके एक ऑब्जेक्ट रख दिए ठीक है भैया, रख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑब्जेक्ट पे हम ऐसे करके एक एफ फोर्स लगा रहे हैं, जब इस पे हम एक फोर्स लगाएंगे तो मेरे को बताओ ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा कि इस तरफ जाएगा, ए तरफ कि बी तरफ, डायरेक्शन बी के तरफ जाएगा ठीक है। तो सबको ये चीज तो समझ में आ रहा है भैया, जब आप इस पे फोर्स लगा रहे हो ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो किसके तरफ जा रहा है, बी के तरफ जा रहा है, एकदम सही बात बताया तुम लोग ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग देखो, हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ का जो ये डिस्टेंस मूव करने वाला ये एस है, ये क्या है एस, किसी को कोई दिक्कत है इस चीज में, बोला या ना? नहीं, किसी को हाँ। अब हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, अगर ये एस है और दिस इज थीटा, तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है ठीक है, मेरे को बस इतना सा बताना, ये भैया थीटा है, ये एच है और ये तुम्हारा बेस है, ये क्या है बेस, कौन बच्चा मेरे को बताएगा बी और एच में कौन रिलेशन बताता है? वेरी गुड, कॉस थीटा, कर्ली ब्राउन हेयर भैया, कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाई क्या होता है एच होता है, वेरी गुड, समझ में आ गया तुमको। तो मेरे को चाहिए क्या, ए बी का बताओ, ये कुछ नहीं है यहाँ पे अभी, ये एस कॉस थीटा कुछ नहीं है, हमको ये बताओ ए बी का वैल्यू क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ एस, एस के टर्म्स में क्या आएगा वैल्यू वो बताओ। चलो ठीक है भैया बता देते तुरंत, तो मेरे को फिर वही पूछ रहे हैं, इसको हम मान लेते ए बी, इसको हम मान लेते एस और ये है मेरा थीटा, तो तुम लोग मेरे को बताओ हम यहाँ वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी के जगह क्या आ रहा है जल्दी बताओ, ए बी, बी के जगह ए बी और एच, एच की जगह क्या आ रहा है बताओ एस, ए बी का वैल्यू कितना आया एस बाय ए बी, एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा आया, क्या आया एस कॉस थीटा आया। तो भैया यहाँ पे देखिए यही चीज हम तुमसे मांग रहे थे कि अगर हम बॉडी पे एफ फोर्स लगाते हैं हमको बताओ ये हॉरिजॉन्टल कितना मूव कर रहा है, तो इस कंडीशन में वर्क इक्वल्स टू क्या आता है एफ इंटू एस, लेकिन भैया यहाँ पे ये जो एस हमको ये वाला एस नहीं चाहिए, हमको चाहिए ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला एस, तो ये इसका वैल्यू कितना आ रहा है जल्दी बताओ, ठीक है तो ये एस कॉस थीटा वहां से आया। अब हम लोग एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वो फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है तो ये चीज ध्यान रखना है तुम लोग को, यही चीज है W इज इक्वल्स टू क्या हो गया एफ एस कॉस थीटा। अब भैया इसमें S क्या है वो तो हमको पता है, लेकिन थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। भैया देखिए ऑब्जेक्ट में फोर्स लग रहा है इधर जा रहा है, फोर्स और ठीक है यहाँ पे फोर्स इधर हो रहा है, ठीक है फोर्स इधर लग रहा है और मेरा डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है इधर लग रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल आ रहा है, ठीक है फोर्स इधर लगा दिए डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया, इन दोनों के बीच का जो एंगल आ गया वही क्या है मेरा, वही थीटा है।
तो अगर तुमसे कोई पूछेगा कि थीटा क्या है तो तुमको बस यही बताना है थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। थीटा किसके बीच का एंगल है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। तो यही चीज तुमको समझाए, ये कैसे आया तुमको हम बता दिए। अब जरा सा एक बार इसको देखो और अच्छे से समझ में आएगा, सुनना खाली मेरा बात। तो सबसे पहला चीज यहाँ बोलता है, सपोज अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी अलोंग ए बी। ए बी कहाँ है देख लो तो सब बच्चा, पहले यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये ए बी के अलोंग ऐसे सीधा, ठीक है। तो यही चीज हम बताए तुम्हारा फोर्स इधर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ऑब्जेक्ट का इधर हो रहा है। इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना है? थीटा बन रहा है। इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है। अब इसके बाद देखो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज ए सी। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है? इधर देख लो, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, एसी के डायरेक्शन में, ठीक है। फोर्स लगा रहे कहीं और डिस्प्लेसमेंट हो रहा कहीं और, जबकि इसके पहले आप यही बात बताए भैया वर्क का जो डायरेक्शन है वो फोर्स के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भैया फोर्स लगा रहे सीधा, लेकिन ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ जा रहा है? कुछ थीटा इंक्लाइंड होके जा रहा है। टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि हमको जानना है कि किस तरह फोर्स लग रहा है, इसका कंपोनेंट जो हो गया, ठीक है, कंपोनेंट मतलब जो ये एंगल हो गया, देन द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ए बी। अब इसके बाद देखो फिर क्या लिखता है, हेंस वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ इंटू ए बी। तो वर्क डन जो आ गया वो क्या आ गया? एफ इन वर्क डन इज इक्वल्स टू आ गया फोर्स इंटू ए बी। और हम लोग ये जो ए बी का वैल्यू निकाले वो क्या निकाले थे, तुम ही लोग बताओ। एच इंटू कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा नहीं लिख के तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, एफ पे वेक्टर और एस पे वेक्टर, ठीक है। तुम ऐसे लिखो या तुम इसको क्या लिख सकते हो, या तुम इसको ऐसे करके लिख सकते हो। तो अब तुमको दो फॉर्मूला ध्यान रखना है, पहला फॉर्मूला हो गया ये वाला और दूसरा फॉर्मूला आ गया ये वाला। तो अगर हम तुमसे क्वेश्चन ऐसे करके पूछेंगे, बताओ मेरे को व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो क्या लिख के आओगे जल्दी बताओ? एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, बस यही चीज है और कुछ भी नहीं। तो कॉस थीटा का यूज कहाँ करते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक वो पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज स्कूल में तुमको बताएगा ही नहीं, तुमको सीधा सा यहाँ पे यही बात बताएगा। अब यहाँ पे ये वाला ये लाइन पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखता है यहाँ पे ये क्रॉस बुलाते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं बुलाएंगे इसको, क्या बुलाएंगे? क्रॉस। क्रॉस मीन्स सिंपल मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू स्केलर एफ एंड एस विच आर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्टिवली। इट डज नॉट मीन द क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एफ और एस, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात बताया है और कुछ भी नहीं बताया है। अब इसको ये चीज तो हम तुमको समझा ही दिए कि ये कहाँ से आया है, ठीक है, ये चीज तो अभी हम तुमको निकाल के दिखाए हैं, वही चीज यहाँ पे दिखा रहा है, और उसी के बाद तुम्हारा ये चीज आया W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तुमको ये एग्जाम में कभी पूछेगा भी नहीं, ठीक है, तुमको इसका काम भी नहीं है, तुमको बस यही दो बात जानना है कि अगर भैया सिंपल सा पूछे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है तो एफ इंटू एस लिखेंगे, अगर हम पूछेंगे इन टर्म्स ऑफ थीटा बताओ तो एफ एस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला सब के लिए वैलिड है, लेकिन ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड नहीं है। ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है भैया जब ऑब्जेक्ट भी सीधा जा रहा है और फोर्स भी हम सीधा लगा रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ वैलिड होगा वो अभी हम थोड़ा एक दो एग्जांपल के बाद बताएंगे तुम लोग को, लेकिन ये जो पहला वाला बताए ये हर जगह वैलिड नहीं है, दूसरा वाला जो फॉर्मूला है ये हर जगह वैलिड है भैया। अब यहाँ पे देखो और क्या बात बताता है, जैसे कि क्या बताया, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, तुम यहाँ पे ऐसे करके क्या कर रहे हो, ये एफ फोर्स लगा रहे हो, तुम जो है यहाँ पे क्या लगा रहे हो, एफ करके फोर्स लगा रहे हो। अब यहाँ पे इसको मान लिया थीटा, ठीक है, कैसे मान लिया भैया थीटा, वो चलो वो भी बता देते, तुम लोग ही बता दोगे कैसे ये थीटा आया, बताओ जल्दी से। वर्टिकली अपोजिट, तो भैया यहाँ पे अगर हम ऐसे करके बना लेते हैं, ये एफ है ये थीटा है, तो बताओ मेरे को एन ए का वैल्यू कितना आ रहा है? अरे बता नहीं रहा कोई, यहाँ पे देख ऐसे करके सीधा सा चीज है, ये देख यहाँ पे ये एफ है, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा एफ, ये थीटा, हमको बताओ यहाँ पे ये एन ए, एन ए का वैल्यू क्या आएगा भैया? फिर से ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर और बेस में कौन रिलेशन बताता है, कॉस बताता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एफ बाई क्या आ जाएगा, कर्ली ब्राउन हेयर बी बाई एच। तो भैया बी का जो वैल्यू आ रहा है वो आप एन ए बोल रहे हो, बी का वैल्यू क्या बोल रहे हो, एन ए, और एच का वैल्यू आपका क्या है, एफ। तो एन ए का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, एफ कॉस थीटा आ गया। तो पीछे हम तुमको दिखाए क्या,
ये दिखाए कि ये वाला अगर तुमको लेना है ये वर्टिकल, तो इसको तुम एस कॉस थीटा ले सकते थे, नहीं भैया हमको इसी के अलोंग बताइए क्या आएगा, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलोंग भी अगर हम देखेंगे तो तुम लोग यहाँ देख सकता है, भैया आप फॉर्मूला बताए थे एफ इंटू एस, हाँ बताए थे, तो फोर्स की जगह यहाँ पे हम इधर फोर्स लगा रहे, ऐसे करके फोर्स लगा ले, तो ये कितना आ गया, ये एफ कॉस थीटा आ गया। डिस्प्लेसमेंट भैया ये क्या था, एस था, तो लीजिए एस पड़ा हुआ है, तो क्या इसको हम ऐसे करके नहीं लिख सकते एफ एस कॉस थीटा, हाँ लिख सकता है, तो यहाँ से भी देखिए ऐसे ही करके आया, तो हम दोनों तरफ से तुमको निकाल के दिखा। हाँ बोल, फोर्स की जगह एफ कॉस थीटा कैसे आया? क्या बोला? फोर्स की जगह एफ कॉस थीटा कैसे आया? फोर्स की जगह एफ कॉस थीटा नहीं आया, वहां पे वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, डिस्प्ले ये जो निकाल रहे हैं, ठीक है, कंपोनेंट है फोर्स का, क्या है कंपोनेंट, तुम इसको जो फोर्स लगा रहे हो, देख यहाँ पे कृष्णा, यहाँ पे तुम जो फोर्स लगा रहे, गंदा हो गया ये वाला, हम कलर यूज कर रहे हैं, ठीक है, वापिस से देख, इसको मिटा देते हैं। कृष्णा मेरे को बताओ, हम इस तरफ फोर्स लगा रहे, देखा तुम? हाँ भैया। हाँ तुम ये, और ये फोर्स इस तरफ लग रहा था, तो मेरे को बताओ ये फोर्स मेरा रोल में आ रहा है, ठीक है, मेरे को ये फोर्स का कोई काम नहीं है, ये फोर्स तब लगाते जब हम इसको लेते, मेरा ऑब्जेक्ट सीधा जाता। लेकिन अभी अगर हम तुमसे पूछे उसी बात पे कि तेरा फोर्स जो हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ बॉडी, जो मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स के होना चाहिए, तो हम इसको कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है इस तरफ जा रहा है, ठीक है भैया, तो हमको ये वाले फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है एफ, तुमसे पूछे जा रहे हैं हमको ये ग्रीन वाले का बताओ कितना आएगा वैल्यू, समझा? हाँ भैया। तो उसी का क्या किए, यहां से हम एक परपेंडिकुलर गिरा लिए, ये थीटा था, इसको भी हम थीटा मान लिए, तब हम क्या किए, इसका वैल्यू निकाले, ये एक्स का। चलो कृष्णा तुम मेरे को बताओ, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ये ट्राइंगल ए बी सी में हमको एक्स का वैल्यू निकालना इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड एफ, क्या यूज करेगा बता? ट्रिग्नोमेट्री यूज करेगा, ट्रिग्नोमेट्री में हमको पता है कि पर ये देख, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये क्या हुआ बताओ जल्दी से, बेस, तो बेस, और ये क्या हुआ, हाइपोटेन्यूस, बेस और हाइपोटेन्यूस में कौन रिलेशन बताता है, कॉस, अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो, तो यहाँ पे एच की जगह क्या आएगा, एच की जगह आपको आएगा एफ, एफ आएगा, और बी की जगह बी रहने दिए, ठीक है, यहाँ हम इसको बी सी या एक्स मानना है एफ, या बी सी माने, या यहाँ एक्स माने, जो तेरे को मानना है मान, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू बता क्या निकल के आया, एफ कॉस थीटा आया, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक्स एक्चुअली में फोर्स है, ठीक है, ये क्या है, फोर्स, तो फोर्स कितना फोर्स है, एफ कॉस थीटा है, ठीक है, और ये जो तुम्हारा यहाँ से यहाँ है ये क्या है, थीटा है, ठीक है, तो कॉस थीटा इज द, ठीक है, कॉस थीटा इज द कंपोनेंट, इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये जो है तुम्हारा क्या है, ये एक एंगल है, ठीक है, थीटा जो है वो एंगल है बिटवीन किसके, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के। फिर वही बोल रहे हैं तुमको इसका कोई काम नहीं है, एक्चुअली में ये 11th का टॉपिक है, ठीक है, तुमको जो काम पड़ेगा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाएंगे वो काम पड़ेगा तुमको, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो नेक्स्ट टॉपिक से आएगा, जिसमें तुमको क्या करना है चलो हम तुमको बताते हैं। तो यहाँ पे बस इतना सा क्लियर रखना तुम लोग कि ये कॉस थीटा कहाँ से आया है, कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में, आज तक कोई बोर्ड एग्जाम में नहीं आया, तुम लोग को क्या पूछेगा चलो वो हम बताते हैं। तो यहाँ पे वही चीज तुम लोग को पहला बताएं, चलो अब देखो यहाँ पे एक मिनट, अब यहाँ पे जरा सा पहले तो ये देखो क्या लिखता है कि वर्क डन क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, पहला तो दो पॉइंट पड़े भैया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे, और तीसरा पॉइंट आया कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा, ठीक है, थीटा किसके बीच का एंगल है, बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो ये चीज ध्यान रखना, सिंस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, अब तुम लोग का दिमाग खुल गया होगा, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो एक नया बात पता चला है यहाँ पे हम लोग को कि भैया अगर दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, जल्दी बता, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मिलता है, क्या क्वांटिटी मिलता है यहाँ पे, स्केलर क्वांटिटी, सो वर्क इज एक्सप्रेस्ड एज डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ना स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, 11th क्लास का टॉपिक है, तुम लोग देख सकते हो वेक्टर्स चैप्टर में आता है, तो उसी का टॉपिक है, अभी तुमको पढ़ना ही नहीं है, अभी बस यहाँ पे यही चीज बता रहा है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना,
दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट जो आता है वो कैसा क्वांटिटी आ जाता है, एक स्केलर क्वांटिटी आ जाता है. कैसा क्वांटिटी आ जाता है, स्केलर क्वांटिटी. वही चीज देखो यहाँ पे m इज इक्वल्स टू था f इंटू डी परपेंडिकुलर. यहाँ भी भैया देखिए. हाँ बोल. ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? कुछ नहीं होता है, ठीक है. डॉट प्रोडक्ट जो एक चैप्टर है पूरा जो 11th क्लास में पढ़ेगा, स्केलर वेक्टर्स एक चैप्टर आता है, ठीक है, वो पढ़ोगे तुमको पूरा हमको बताना पड़ेगा. यहाँ पे एक्सिस के हिसाब से होता है, जैसे तुम लोग अभी पढ़ता है ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तब तुम लोग पढ़ेगा यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप. ये 11th क्लास का टॉपिक है, अभी कोई काम नहीं पड़ेगा तुमको, ठीक है. तुम देख लेना, अगर आ जाए तो बोलना फिर मेरे को, अभी काम ही नहीं. जो काम का है वो हम बता दे रहे हैं तुमको, ठीक है. अब यहाँ से स्टार्ट होता है और ये आना ही आना है, ठीक है. ये क्वेश्चंस तुमको एग्जाम में आना ही आना है और आएगा ही बोर्ड एग्जाम में. अब चलो देखो और सुनो, ठीक है. तो हम फिर से एक बार रिकैप करते हैं कि अभी तक जो पढ़ाए हैं उसका रिकैप तुमको कर देते हैं. पहला चीज, बस दो ही चीज का ध्यान रखना है दिमाग में. वर्क का फॉर्मूला होता है एफ इंटू एफ. क्या ये हर जगह वैलिड है? नहीं. तो दूसरा फॉर्मूला क्या आया? एफ अब यहाँ पे तुम लोग देखो इसी चीज को ये लोग लिखता क्या है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, ठीक है. ये नहीं लिख के तुम ये भी अगर लिखोगे F इंटू एस, ठीक है, इसको डॉट प्रोडक्ट बुलाते हैं. इसको क्या बुलाते हैं? डॉट प्रोडक्ट. और इसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं? इसको ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है. डॉट प्रोडक्ट से तुम्हारा एक वेक्टर निकलता है, मतलब ये कंपोनेंट निकलता है जिसको क्या कहते हैं, कॉस थीटा बुलाते हैं. फिर बोल रहे हैं कोई काम नहीं है, ठीक है, एकदम टेंशन नहीं लेना है तुमको. बस यही चीज ध्यान रखना है कि अब से तुम जो फॉर्मूला यूज करोगे वर्क का, ये नहीं यूज करोगे. ये 7th-8th तक बहुत यूज किए भैया, अब हम लोग को यूज करना है कॉस थीटा. अब हम तुमको समझाएंगे कि क्यों कॉस थीटा आया है और इसका कहाँ कहाँ अलग अलग एग्जाम्पल से तुम समझोगे कि कैसे इसका यूज किया जाता है. तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम जो यूज कर रहे हैं वो क्या है, वो देखो. हम तुमको यहाँ पे एकदम सिंपल सा बात बता रहे, किताब रखा हुआ है, ठीक है, एक टेबल पे. तुम बताओ इस पे फोर्स लगाया, ठीक है, यहाँ पे फोर्स लगाया 100 न्यूटन. तुम लोग बताओ किताब किस तरफ जाएगा? डायरेक्शन ऑफ अटैक फोर्स. ये 2 मीटर इधर भागा, ठीक है, ये 2 मीटर जो है तुम्हारा क्या हुआ, इधर भागा. तो मेरे को एक बात पूछना है, ठीक है. वही अब हम वापिस से ले आते मगरमच्छ को, ठीक है. तुम लोग हमको एक बात बताओ, तुम लगाया यहाँ पे, ध्यान से देखना, फोर्स भी इधर ही लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हुआ, तो मेरे को बताओ मगरमच्छ का मुंह खुला है क्या? नहीं भैया. तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो. थीटा किसके बीच का एंगल था, फिर से बताओ. एंगल ऑफ बेस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेरी गुड. थीटा इज दी एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. भैया देखिए, हम ना फोर्स इधर लगा रहे हैं, मेरा ऑब्जेक्ट भी इधर जा रहा है, तो देखिए फोर्स इधर ऑब्जेक्ट भी इधर, तो मगरमच्छ का मुंह ही नहीं खुला है, थीटा इज जीरो. अब एक बात और बताओ, तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी पढ़ रखा है, ठीक है. कॉस थीटा का वैल्यू जीरो आया, ठीक है. कॉस जीरो का वैल्यू कौन बच्चा बताएगा क्या होता है? ये बात याद आ गया तुमको. अब भैया आप हमको बोल रहे हो बार बार यूज करने फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, ठीक है. तो डब्ल्यू एफ एस कॉस थीटा हो गया, यहाँ पे एस कॉस थीटा की जगह हम लिखे एस कॉस जीरो. तो मेरे को बताओ यहाँ पे कॉस जीरो लिखे, ठीक है, जीरो. कॉस जीरो का वैल्यू कितना आया? वन. तो इसका फॉर्मूला क्या बना? एफ एस. देखा, ये आया ये फॉर्मूला इसी से निकल के. तो इसको कंसीडर करो केस वन, ठीक है. केस वन का मतलब हुआ कि तुम फोर्स भी सीधा लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी सीधा हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं केस वन, जिसमें तेरा थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, जल्दी बता. जीरो डिग्री. और कॉस जीरो का वैल्यू, कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है? वन. तो वर्क डन क्या आएगा? एफ एस. यहाँ पे तो पहला केस में वर्क डन, ठीक है, वर्क डन इज पॉजिटिव. एक और बात है यहाँ पे, यहाँ भैया वर्क डन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है. तो ये चीज को हमको ध्यान रखना है. तो ये था तुम्हारा पहला एग्जाम्पल की किताब रखा हुआ है टेबल पे, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं. अब एक और एग्जाम्पल इसमें देखो, ठीक है, केस वन का एक और एग्जाम्पल. तुम लोग एक सब बच्चा बात बताना मेरे को, ठीक है. हम ऐसे करके एक पत्थर को छत से अपने क्या कर दिए, नीचे गिरा दिए, ठीक है, छत से क्या कर दिए, नीचे. मेरे को बताओ हम फोर्स किस तरफ लगाए, या लगाए भी है कि नहीं लगाए?
अगर कोई भी चीज को छोड़ते भैया नीचे जाता है तो ये फोर्स नीचे जा रहा है। अब मेरे को बता डिस्प्लेसमेंट पत्थर को तुम लोग किस डायरेक्शन में जाते देख रहा है? नीचे। तो फिर से पूछ रहे हैं यहाँ थीटा कितना आ रहा है? जीरो डिग्री। जीरो डिग्री। अगर हम मान ली यहाँ से यहाँ का हाइट है एच और ये पत्थर का मास है एम, हाइट है एच पत्थर का मास है एम। अब एक चीज कैलकुलेट करके तुमको मेरे को बताना है भैया। यहाँ पे पहला चीज तो वही हो गया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एफ एस कॉस थीटा। भैया यहाँ पे बताओ फोर्स कितना लगेगा, जल्दी बताओ फोर्स कितना लगेगा, कौन बच्चा बताएगा? एम जी। फोर्स इक्वल्स टू तुम लोग पढ़ा था एम ए होता है, क्लास नाइन्थ में पढ़ा था ना, याद करो भैया। जब ये ऊपर नीचे पत्थर फेंकते हैं तो ये ए चेंज हो जाता है किसमें बताओ जल्दी से? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। हाँ, तो यहाँ पे एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा? एम जी आ जाएगा। एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा? एम जी। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ जो आया इसका हम डिस्प्लेसमेंट कितना माने हैं? एच माने एम जी एच। और कॉस थीटा मतलब कॉस जीरो, और कॉस जीरो का वैल्यू जल्दी बताओ कितना बताया था तुम लोगों को? तो वर्क डन कितना आ गया? MGH आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज हुआ। ये एग्जांपल टू हुआ कि अगर कोई पत्थर को तुम नीचे फेंक रहा है, ठीक है, या तुम छोड़ दिया है वो नीचे जा रहा है, तो हम तुमसे पूछ रहे हैं बताओ मेरे को वर्क डन कितना हो रहा है, तो तुमको बताना पड़ेगा MGH। क्लियर है सबको? हाँ भैया। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा यही टॉपिक है। अब और एग्जांपल लेते हैं। क्या कोई कुछ बोला? हाँ भैया, ये मतलब कि ये जो दो एग्जांपल बताए, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताना सब बच्चा नोट करो, सबसे पहले ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर दिए, तुम लोग भी कर लो अपने बुक में। इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऐसे करके बनाओ यहाँ पे कि एफ इधर है, और अगर कलर पेंस यूज करते हो तो ऐसे करके लिख लो एफ इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम तरफ है, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना आ गया? जीरो डिग्री आ गया। अब कॉस जीरो, ठीक है, बहुत बच्चा हड़बड़ाता है, कॉस जीरो क्या हो गया? वन हो गया। ठीक है, कॉस थीटा की जगह जीरो, कॉस जीरो कितना आ गया? वन आ गया। तो इस चीज को नोट कर लो, यहाँ पे दिया हुआ इसको ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है, तो भैया वही फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू आप जो बताए थे एफ एस कॉस थीटा, हाँ लगाए, तो यहाँ पे ये तो आ गया, आप बोले वन, हाँ आ गया, तो इसका वर्क डन कितना आ रहा है? एफ एस आ रहा है, ले यहाँ भी आया, तो ये इधर वर्क डन जो आया वो क्या आया? पॉजिटिव। अब हम लोग इसका एग्जांपल करते हैं, तो चलो एक एक करके एग्जांपल तुमको बताए। अब यहाँ पे वही चीज बताए भैया, एक पत्थर एम मास का हम ऊपर से नीचे छोड़े तो ये नीचे गिर रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी इसको खुद खींच रहा है, ये फोर्स हो गया, ये क्या हो गया? फोर्स। अब हम लोग जानते हैं फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू जी होता है, तो फोर्स उससे निकाल लिए। अब भैया यहाँ से यहाँ का हम हाइट मान लिए एच, यहाँ से यहाँ का हाइट मान लिए एच, तो ये जो आया ये तुम्हारा क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट आ गया। ये क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट। तो भैया देखिए फोर्स भी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, तो वही बात आप जो बताए आ गया। तो हाँ, तो वर्क डन क्या हो गया? एम जी एच आ गया। वर्क डन जो आया इस केस में क्या आ गया? एम जी एच। सेकेंड केस सुनो, कूली के बारे में बता रहा है, क्या बता रहा है सुनो। अ कूली डज, यही क्वेश्चन सब आता है कि कूली काम कितना क्या बताओ। अ कूली डज वर्क, ठीक है, तुम्हीं को खड़ा कर देते हैं, ठीक है, अब ध्यान से सुनना है यहाँ पे हम क्या बताएंगे। अ कूली डज वर्क ऑन द लोड व्हेन ही रेज अप इट्स हाइट। देखो गजब बात है, यहाँ पे सोचने वाला बात है, फिजिक्स कहता है कि अगर तुम यहाँ से एक वजन उठा के अपने माथा पे रख लेते हो, ठीक है, तो तुम काम कर रहे हो, लेकिन यही वजन उठा के चल रहे हो तो तुम काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, माथा पे वजन लेके चल रहे हैं तो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन माथा पे वजन रखे हो तो काम किए हो। अब यहाँ का चक्कर देखो क्या है, यहाँ का भी चक्कर एकदम सिंपल सा है। मेरे को बताओ जब तुम इस वेट को उठाए तो तुम्हारा डायरेक्शन किस तरफ था? ऊपर। अपवर्ड। तो फोर्स किस तरफ लगाए? अपवर्ड। अपवर्ड। तो फोर्स भी ऊपर लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी अगर ऊपर हो रहा है, तो बताओ यहाँ पे वर्क डन कितना आ जाएगा? जीरो। देखो इसको बोलता है वर्क डन कितना आएगा? वर्क डन आएगा एफएस। ठीक है, वर्क डन कितना आएगा? एफएस। अब भैया वही चीज बोल रहे हैं आपको कि ये जो लोड है उसका मास है एम, ठीक है, उसका मास क्या है? एम।
और ये जो उठाया है ना भैया, ये एच हाइट पे उठाया, ये कितने हाइट पे उठाया, एच हाइट पे। तो अगर अब यहाँ पे आ गया एफ एस, अगर वर्क था एफ कितना आ गया एम जी आ गया, और भैया डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका एच, तो वर्क डन क्या आ गया एम जी एच आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो क्या आ गया वर्क डन भैया। हाँ भैया, ले यहाँ पे ग्रेविटी के, लेकिन सुन यहाँ पे पहला बात क्या बोलता है, ठीक है, यहाँ स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं, वो चीज सुनना। व्हेन अ पुली वॉक्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक है, पुली जब हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे चल रहा है, व्हाइल कैरिंग अ लोड ऑन हिज हेड नो वर्क इज डन, ठीक है, तो बोलता है कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल टू हो गया। वेट, यहाँ पे बोल रहा है अ कूली डज अ वर्क ऑन द लोड, ठीक है, कूली किस पे काम किया, लोड पे, व्हेन ही रेज अप इट अगेंस्ट, ठीक है, यहाँ वर्ड यूज कर रहा है अगेंस्ट, मतलब माइनस जी, तो माइनस का भी कोई काम नहीं है, पहला बात तो। यहाँ पे तुम लोग देखो पुली जो है क्या कर रहा है, लोड को उठा रहा है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बोथ द फोर्स एग्जर्टेड बाय कुली इज इक्वल्स टू एम जी। तो पहला तो यही हम क्वेश्चन तुम लोग से भी पूछ रहे हैं कि ये एक कुली है, यहाँ पे सामान रखा हुआ है, ठीक है, जिसका वेट है, मास है एम, और ये अपना उठा के माथा पे रख लिया, तो यहां से यहाँ जो ये उठा के रखा है तो फोर्स का वैल्यू बताओ चलो कितना होता है, एमजी होता है, तो एमजी। अच्छा चलो एक बात बताओ, तुम लोग बोल रहे हैं बार बार कि भैया जी का वैल्यू हम माइनस लेंगे, ले ले मेरा क्या जा रहा है, ठीक है, अगर तुम जी का वैल्यू माइनस ले लेता है तो यहाँ पे माइनस एमजी आ रहा है, लेकिन ये माइनस क्या दिखाता है बताओ मेरे को, कि फोर्स नहीं आ रहा है, फोर्स इज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ये दिखाता है, ठीक है, फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में, हाँ तो वो तो बोल ही रहे हैं कि फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो फिर वही बात बोल रहे हैं, यहाँ पे तुमको अभी माइनस से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे ये सीधे सीधे क्या आ गया, फोर्स mg के बराबर आ गया, ठीक है, हमको यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए और कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखो दूसरा बात क्या बोलता है, द वर्क डन इन रेजिंग द लोड, अब पूछा है वर्क डन कितना हुआ इन रेजिंग द लोड, तुम लोग मेरे को बताओ, ठीक है, यहाँ पे वही जो कंपोनेंट का बात किए थे, यहां से यहां ले जाने में सीधा हॉरिजॉन्टल कितना काम किया ये बताओ, या वर्टिकल सॉरी, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जितना एच, ठीक है, जितना हम हाइट जो है एच ही माने थे, जो यहाँ लिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है एच। फिर वही बात तुमसे पूछ रहे, फोर्स किस तरफ लग रहा है, अपवर्ड, ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी किस तरफ हुआ, अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट भी किस तरफ हुआ, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है तो फिर बताओ दोनों मगरमच्छ का मुंह खुला नहीं, 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 नहीं। थीटा कितना आया, एफएस जीरो, फिर बोलता देखो वन, थीटा आया जीरो, थीटा जीरो आया, यही गड़बड़ करोगे, थीटा जीरो आया, अब कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, भैया W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा होता है, F आप निकाल के दे दी हम लोग को mg, ये S कॉस थीटा के जगह, S के जगह, डिस्प्लेसमेंट के जगह हम लोग कितना लिए हैं जल्दी बताओ, H ले रहे हैं, H, और cos ये कितना आ गया, जीरो आ गया, एंड वी नो दैट cos जीरो इज इक्वल्स टू वन, तो यहाँ भी वर्क डन कितना आ गया, सेम आ गया भैया mg h, तो सीधा सीधा सा बात यहाँ पे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो वर्क डन जो आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा तुम्हारा क्या, पॉजिटिव। अब तुम यहाँ पे बताओ, हम अगर स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं तो तुम यहाँ पे mgh लिख सकते हो, नहीं लिख सकते भैया, यहाँ हाइट नहीं है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट योर इज योर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भैया आप देखिए यहाँ हाइट है, यहाँ पे क्या है, हाइट है, एच है, समझ में आया तुम लोग को, हाँ भैया, हाँ भैया, ठीक है अर्पित, हाँ भैया आ गया, ओके, अब इसके बाद दूसरे केस पे चलते हम लोग, ठीक है, अब दूसरा केस को पहले समझना, यही इसी पे ज्यादातर क्वेश्चन आता है, तो जरा सा इसको देखना और समझना, ठीक है, केस टू में ये बोल रहे थे कि मान लेते अभी हम कोई खलीफा के चक्कर लगा रहे थे, तो मेरा जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा, सेंटर की तरफ लगा, तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स हो जाएगा भैया, सबको पढ़ा रखे पहला चैप्टर में, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और अगर हमको यहाँ पे जानना है कि किस तरफ मेरा डायरेक्शन है तो हम उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ये बात तुमको पता ही है। अब भैया
यहाँ पे आप देखो ये दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, बताओ मेरे को थीटा कितना आ गया यहाँ, cos cos 90 का वैल्यू कौन बच्चा बताएगा मेरे को, जीरो। तो भैया वर्क डन देखिए, एफ इंटू एस कॉस क्या हो जाता थीटा, तो एफ इंटू एस ये कॉस क्या आ जाएगा 90, तो सबको पता है यहाँ पे कितना हो गया जीरो, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई जीरो क्या आ गया जीरो। अब ये देखो ये क्वेश्चन कैसे क्यों इम्पोर्टेंट है वो बात भी सुनो, इसको तुम इसको यहाँ से पता चल कि वर्क डन जो है, ठीक है, वर्क डन जो है वो जीरो आता है दो तरीके से। पहला तरीका क्या है बताओ तो, एक तो भैया यहाँ पे जब आपका दो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री होता है तो वर्क डन कितना आ जाता है जीरो, और एक और बताओ कैसे वर्क डन जीरो, डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, ठीक है भैया, हम लोग ये बच्चा वाला चीज ध्यान नहीं दिए कि अगर तुम यहाँ पे अपना बाइक रख के गोल गोल घूम रहा था ऐसे करके, तो भैया यहाँ पे क्या हुआ डी भी जीरो आ गया, डी भी क्या आ गया जीरो, दैट इज एस, ठीक है एस बुला लो, डी नहीं बुला के, डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया बताओ जीरो, जहां से तुम स्टार्ट किया वहीं पे तुम आ गया, तो तुम्हारा तभी वर्क डन जो आएगा वो क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। तो तुम लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कंडीशन, ठीक है, इन विच वर्क डन इज इक्वल्स टू जीरो आता है, तो पहला चीज तुमको बताना पड़ेगा व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री एंड द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो दो केस ऐसा है जिसमें वर्क डन जो आएगा वो किसके बराबर आएगा जीरो। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हम तुमको बोलेंगे कि इन टर्म्स ऑफ थीटा बताओ, तो तुमको ये बताना पड़ेगा कि भैया फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, दैट इज सेंट्रीपिटल और डायरेक्शन पॉइंट पे भी जानना चाहते हो तो उस पे लो नो एट कॉस 90 इक्वल्स टू जीरो, तो उसी तरीके से वर्क डन जो आ गया यहाँ पे क्या आ गया जीरो। पहला केस में हम लोग पढ़े वर्क डन क्या था जल्दी बता, वर्क डन वाज पॉजिटिव, ठीक है वर्क डन वाज पॉजिटिव। दूसरे केस में हम ये सीखे कि वर्क डन जो है वो क्या है जीरो है। इसका एक और एग्जांपल जो बहुत इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये गाड़ी का चक्कर लगाने वाला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चलो देखो क्या बता रहे, अब देखो दूसरा जो तुम पूछ रहा था, ठीक है वो क्या है, अब हम कूली का जो बताए थे कि माथा पे वो लोड लेके चल रहा है, तुम लोग मेरे को बस इतना सा बता दो इस लोड का फोर्स किधर लग रहा है, वेट किधर लग रहा है, और तुम लेके जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किधर हो रहा है, राइट साइड आगे हो रहा है। भैया हम आगे चल रहे हैं, मेरा डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो बताओ इन दोनों के बीच में कितना एंगल आ गया 90। तो W इज इक्वल्स टू क्या आ गया FS0 नहीं बोलेंगे यहाँ पे, देखिए FS cos 90 यहाँ पे आएगा, तो FS अब कितना आ गया जीरो। तो देख वर्क डन कितना आ गया यहाँ पे जीरो, तो देख लो यहाँ पे भी हम वर्क डन जीरो। तो वही बोलता है फिजिक्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कूली डज नो वर्क, ठीक है जब वो वजन लेके अगर आगे चल रहा है तो वो कोई भी काम नहीं कर रहा है। भैया यहाँ पे वर्क डन जो आ रहा है मेरा कितने के बराबर आ रहा है जल्दी बताओ मेरे को, जीरो जीरो के बराबर आ रहा है। आया समझ में? हाँ भैया, हाँ भैया। तो ये दो एग्जाम्पल जो है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो तुम लोग को जानना था। हाँ बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको तीन केस हम यहाँ पे बता रहे, क्या क्या केस है भैया, ठीक है जब हम ऑब्जेक्ट को, ठीक है सामने फोर्स लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी सामने हो रहा है, ठीक है ऑब्जेक्ट का फोर्स भी सामने लगाया जा रहा है और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस भी कहाँ हो रहा है, सामने हो रहा है, ठीक है भैया। इसी तरह तुम इसी को सोच सकते हो कि ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है तो ऊपर ही जा रहा है ये, ठीक है ऐसे करके कोई चीज को उठा रहे डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ हो रहा है, ठीक है भैया। दूसरा चीज यहाँ पे देखो केस टू क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहे सामने भैया, ठीक है फोर्स लगा रहे हैं सामने, लेकिन ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, ऑब्जेक्ट जो है नीचे जा रहा है, या उल्टा सोच लो फोर्स लग रहा है नीचे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सामने, ठीक है। और तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है भैया फोर्स लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो ये तीन केस एक बार हम बनाए। अब यहाँ पे तुम लोग देखो, हम हमेशा तुम लोग को ये बात बताते हैं कि मगरमच्छ का मुंह बंद है, मगरमच्छ का मुंह बंद है दैट मीन्स थीटा जो है वो जीरो डिग्री है। मगरमच्छ का अगर मुंह बंद है थीटा का वैल्यू क्या हो गया जीरो डिग्री। थीटा क्या है भैया, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट।
भैया यहाँ देखिए एंगल बन ही नहीं रहा है, ये दोनों लाइन एक दूसरे पे इंक्लाइंड है, ठीक है, तो थीटा हो गया जीरो। यहाँ पे भैया थीटा कितना आ रहा है बता तुम ही लोग, 90 डिग्री। और यहाँ पे थीटा क्या आ रहा है 180। यहाँ थीटा क्या आ रहा है 180। ओके ठीक है, अब यहाँ पे चलो ये तो हो गया, अब हम लोग को ये बात पता होना चाहिए कि कॉस थीटा की जगह कॉस जीरो पुट किए, कॉस थीटा की जगह कॉस 90 पुट किए, कॉस थीटा की जगह कॉस 180 पुट किए। कॉस जीरो का वैल्यू बताओ कितना होता है 1, 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 1
ठीक है, तो तुम लोग अभी बस तुमको ये भी बता देते, तुम लोग क्लास 10 तक जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है, लेकिन जब 11 12th में पढ़ेगा ट्रिग्नोमेट्री, वहां ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स भी पढ़ेगा, तब तुमको पता चलेगा कि पाई बुलाते हैं 180 डिग्री को और 90 को बुलाते हैं पाई बाई 2, तो 180 बाई 2 हो गया, दैट इज 90 डिग्री। तब ट्रिग्नोमेट्री चलेगा तुम्हारा इन्फिनाइट एंगल्स के लिए, ठीक है, इसको रेडियन बुलाते तब तुमको ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स आएगा, तब तुम लोग उस समय भी ये सब चीज पढ़ोगे। तो यहाँ पे भैया देखिए 180 का जो वैल्यू आ रहा है ना, वो आ रहा है तुम्हारा 0 के बराबर बट माइनस 1, बट क्या है माइनस 1। तो ये चीज अभी बस तुमको जानकारी जनरल नॉलेज की तरह ये ध्यान रखना कि cos 180 इक्वल्स टू क्या होता है माइनस 1। अब हम लोग पढ़े थे इस पे एग्जांपल्स, इस पे क्या पढ़े थे एग्जांपल, ये एग्जांपल कुछ नहीं है कंडीशन है, ठीक है, ये क्या है कंडीशन। जैसे हम तुमको यही चीज बोलना चाहते हैं कि किताब रखा हुआ है भैया टेबल पे, किताब पे तुम फोर्स लगा रहे और ये डिस्प्लेसमेंट भी सामने हो रहा है, तो मेरे को बताओ यहाँ पे वर्क डन कितना हुआ, ठीक है, वर्क डन FS, वेरी गुड FS हुआ, ठीक है। वर्क भैया कैसे निकालेंगे, तो आप ही मेरे को बताए थे वर्क डन इज इक्वल्स टू FS cos थीटा होता है, हाँ होता है, यहाँ पे आप ही बोल रहे हैं कि cos कितना हो रहा है 0, क्योंकि भैया आर्म खुला ही नहीं है, 0 हो गया, तो भैया cos 0 का वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो वर्क डन आ गया FS, क्योंकि आप फोर्स लगाए थे F, और ये जो यहां से यहां मूव किया है वो S मूव किया है, कितना मूव किया है S मूव किया है, ठीक है FS आ गया। तो यहां पे ये जो मेरा पहला केस आया है, ये वर्क डन जो आया, ठीक है, ये पॉजिटिव आया, वर्क डन क्या आया पॉजिटिव, ठीक है, मेरा पहला केस में वर्क डन जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसका अलग अलग एग्जाम्पल्स है, इसका अलग अलग क्या है एग्जाम्पल, जैसे हम क्या करना चाहते हैं, अब एक पत्थर को ऊपर फेंकना चाहते हैं, ठीक है, हम एक पत्थर लिए, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके खड़े हो गए और पत्थर लेके क्या कर दिए ऊपर फेंक दिए, ठीक है, तो बताओ ये पत्थर किधर, फोर्स हम किस तरफ लगाए अपवर्ड, पत्थर जा भी रहा किस तरफ है अपवर्ड, अपवर्ड वे डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है जीरो, जीरो, वेरी गुड, ठीक है, एंगल कितना बच रहा है जीरो। अब मान लेते हैं ये पत्थर का मास था m, ये पत्थर का मास क्या था m, ठीक है, ये पत्थर का मास यहाँ पे क्या मान लिया m मान लिए, तो वर्क इक्वल्स टू क्या होता है जल्दी बताओ भैया, वर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब लेकिन ये चीज पढ़े हैं कि फोर्स इज, नाइन्थ क्लास में तुम लोग पूरा ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा था और वो चीज पढ़ा था कि जब ऊपर जाता है कोई चीज तो वो चेंज हो जाता है एक्सेलरेशन, किसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg में चेंज हो जाता है, तो यहाँ F की जगह क्या आ गया mg आ गया। हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है तो माइनस g होता है, तो अभी हम माइनस का कोई काम नहीं कर रहे हैं, अभी हम बस यहाँ पे क्या चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड देख रहे हैं कि mg आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ जल्दी बता, h भैया h, h, और cos थीटा कितना आया cos 0 भैया, cos 0 का वैल्यू 1, तो वर्क डन कितना आ गया जल्दी बता mg h, तो ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या आएगा कि अगर तुमको एक तुम एक पत्थर को ऊपर फेंक रहे हो तो वो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, तो तुमको ये बताना पड़ेगा कि पत्थर का मास m है, वो ट्रेवल किया h हाइट, तो वर्क डन आ जाएगा mg h, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो वर्क डन आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ भी जो वर्क डन आ रहा है वो क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। तो यही दो केस तुम्हारे बुक में डिस्कस किया गया था, ठीक है, यही दो केस तुम्हारे बुक में डिस्कस किया गया था। अब भैया यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे तुम लोग को हम बुक पे ले चलते हैं, ये देख यहाँ पे आ गया हम लोग का बुक, पहला केस, ठीक है, तो केस वन यहाँ पे क्या ये मार करवाए थे तुम लोग को, ठीक है, यहाँ पे देख सकता है तुम लोग
cos थीटा अपने बुक में मार करो, ठीक है, कि cos थीटा इक्वल्स टू क्या बता रहा है यहाँ पे, cos 0 इक्वल्स टू कितना हो जाता है 1। तो हड़बड़ाना नहीं है, बहुत बार क्या कर देता है बच्चा लोग, cos 1 लिख देता है, cos 0 लिख देता है, ठीक है, और कुछ कुछ करके आ जाता है। तो cos 0 क्लियर करो कि इसका वैल्यू 1 आता है, भैया यहाँ पे पुट किए fs cos थीटा में, ठीक है, और यहाँ पे fs cos थीटा में ये कितना आ गया, 0 आ गया, और यहाँ पे cos कितना आ गया, यहाँ पे cos थीटा, ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया, तो fs आ गया। f की जगह अगर हम mg पुट करना चाहते हैं, mg पुट करो, या नहीं तो यही आ जाएगा, 110 कितना आ गया, पॉजिटिव आ गया। इस पे एग्जांपल्स केसेस देखो, यही केस आएगा, तुमको बोलेगा एक्सप्लेन करो, इसी को तुमको बोलेगा क्या कि एक्सप्लेन करो इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब कूली का बात करता है, तो कूली डज वर्क ऑन द लोड व्हेन ही रेजेस इट अप अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो पूछता है कि कूली अगर मान ले तेरे घर में तेरा बैग नीचे पड़ा हुआ है, तुम बैग लेके माथा पे रख लिया, ठीक है, बैग लेके क्या किया, माथा पे रख लिया, तो ऐसे करके हम मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिद्धि को खड़ा कर देते हैं, सिद्धि बैग लेके अपने माथा पे ऐसे करके क्या हो गई, खड़ी हो गई। तो अब एक बात बताओ, इसके बैग का मास था एम, ठीक है, ये ऊपर फोर्स लगाई और ये कितना हाइट ऊपर ले गई, बता, एच हाइट ऊपर ले गई। तो मेरे को तुम लोग बताओ, ठीक है, मेरे को तुम लोग बताओ वर्क डन कितना हुआ, भैया ये फोर्स भी ऊपर की तरफ लगाई, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ, जीरो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी, हाँ, तो जीरो तुम लोग थीटा बोल रहे हैं, थीटा कितना आया, जीरो आया। तो भैया वर्क डन टू एफ एस कॉस थीटा होता है, एफ हो गया तुम्हारा कितना, एफ हो गया भैया यहाँ पे कितना, एम, ठीक है, एम जी, वेरी गुड, एफ कितना हो गया, एच हो गया, और कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, वन, वेरी गुड। तो भैया यहाँ वर्क डन जो आ गया वो कितना आ गया, एम जी, अच्छा, और जीरो क्यों, ओके, अब आते हैं हम लोग इस पे, भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, फोर्स क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है, ठीक है, तो इसके बीच में एंगल कितना आ रहा है, थीटा, ऐसा एक दो एग्जांपल दे दीजिए तो भैया हम लोग को, तो हाँ देंगे एकदम पक्का से। तो भैया आप लोग पढ़े हैं कि अगर हम खलीफा बाग का चक्कर लगा रहे हैं तो पहले बताओ इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन और अनएक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड, वेरी गुड, ये कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, याद होगा तुम लोग को एक क्वेश्चन भी पूछे थे टेस्ट में, भैया यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, हम ऐसे करके दिखा दिए कैरो, ठीक है, तो ये इधर जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये जा रहा है वेस्ट की तरफ, ये साउथ की तरफ, ईस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ, भैया हर पॉइंट पे देखिए, ठीक है, मान ले यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 20 मीटर पर सेकेंड से ही घूम रहे हैं, लेकिन हर पॉइंट पे मेरा क्या चीज चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे मेरा वेलोसिटी सेम चेंज हो रहा है, हाँ, और वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो भैया यहाँ पे जो है मैग्नीट्यूड नहीं बदला, लेकिन डायरेक्शन बदल गया, वेलोसिटी दो चीज पे डिपेंड करता है, एक स्पीड पे डिपेंड करता है और एक डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो डायरेक्शन बदल गया तो वहां पे वेलोसिटी भी बदल गया, और चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे, ठीक है, चलिए एक बात तो यहाँ पे ये हो गया। यहाँ ये वर्क पावर एनर्जी से क्या रिलेशन है इसका, वर्क पावर एनर्जी से ये रिलेशन है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये था हम लोग का कि बताओ, ठीक है, ये जो हम बनाए इसका क्या बताए, डायरेक्शन किधर है, डिस्प्लेसमेंट किधर है, ये तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। इफ यू वांट टू नो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट या एट एनी पॉइंट, हाउ कैन वी फाइंड इट, बाय टेंजेंट एट दैट पॉइंट, बाय ड्रॉइंग टेंजेंशियली फाइंडिंग द वैल्यू, बाय ड्रॉइंग टेंजेंट टू द पॉइंट, ठीक है, टेंजेंट टू द पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसका क्या बता देता है, डायरेक्शन बता देता है, बहुत बढ़िया बात है। तब तो इसका फोर्स किधर लग रहा है भैया, ठीक है, कोई चीज को भी गोल घुमाते हैं, ठीक है, तो उसका एक फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, किधर लगता है, सेंटर की तरफ। तो भैया डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बाहर की तरफ और यहाँ पे फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, और ये फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों के बीच का जो एंगल आ गया वो कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया, ठीक है, एक एग्जाम्पल तो यहाँ पे ये हुआ। तो अगर 90 डिग्री आ गया तो बता थीटा कितना आया, 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है, जीरो। तो भैया देखिए यहाँ पे इसका मतलब खलीफा बाग का चक्कर लगा रहे हैं ना, हम कोई काम नहीं कर रहे, हम क्या नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे, ठीक है, जबकि तेरे गाड़ी का तेल खर्च हो रहा है, सब कुछ लग रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी फिजिक्स कहता है तुम कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे देखिए
एफ एस क्या आ गया, जीरो आ गया, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई जीरो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ वर्क डन क्या आ गया, जीरो आ गया, तो ये बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही वाला ज्यादातर पूछा जाता है। उसी तरह अब दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड कुली वाला क्या है वो देखो, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई। दूसरा वाला क्वेश्चन रिलेटेड टू कुली क्या है कि कुली माथा पे ऐसे करके बोझ रखा हुआ है, ठीक है, इस बार बोझ उठा के नहीं रखा, इस बार रखा हुआ है और भैया वो चल रहा है, वो क्या हो रहा है, चल रहा है। तुम लोग सब जानते हो कि किसी भी चीज का वेट जो लगता है वो किधर लगता है, डाउनवर्ड, चल रहा है। तो दोनों के बीच का एंगल बता कितना हुआ, 90 डिग्री। तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू भैया यहाँ पे वापस से cos 90 डायरेक्ट लगा दिए, ठीक है। fs कितना आ गया, cos 90 का वैल्यू 0, वर्क डन कितना आ गया, 0। तो कूली कूली माथा पे बोझ रखा है तो काम किया है, लेकिन कूली माथा पे लेके वजन चल रहा है तो काम नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो गया उसके साथ, उल्टा भैया यहाँ पे वजन लेके चल रहा है, तुमको भी पता है कितना काम कर रहा है, लेकिन फिजिक्स कहता है कि वो कोई काम नहीं कर रहा है। तो ये क्वेश्चन जनरली आता है कि इन टर्म्स ऑफ थीटा बताओ कि पुली डज नो वर्क, ठीक है, व्हाइल कैरिंग अ लोड, जब वो कैरी करके चल रहा है तो वो कोई काम नहीं कर रहा है, तो तुमको ये चीज दिखाना पड़ता है। दूसरा जो पीछा पीछे बताए थे उसमें दूसरा क्वेश्चन ये देखो, यहाँ भी वर्क डन जीरो आया, लेकिन यहाँ वर्क डन एक और कारण से जीरो आता है, क्या वो दूसरा कारण है भैया? मान लीजिए आप बाइक चला रहे हो, चलाओ कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को जहां से चले थे घूम के वहां आ गए, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो, जीरो। तो फॉर्मूला में एक और चीज यहाँ पे, ठीक है, वर्क डन भैया अब कॉस थीटा का काम ही नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे देखो जीरो पुट कर दिए, मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया, जीरो आ गया। तो तुम लोग यहाँ से दो बात सीखता है, एक तो कि कितना वर्क डन आ रहा है, दूसरा बात ये सीखता है व्हाट आर द कंडीशन इन विच नो वर्क इज डन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो फिर से बोलेंगे कि पूछा जाता है जनरली, व्हाट आर द कंडीशंस, ठीक है, कंडीशंस इन विच नो वर्क इज डन, tan थीटा इक्वल टू 90, तुम्हारे बुक में भी है, ठीक है, कंडीशन इन विच नो वर्क इज डन। तो पहला कंडीशन क्या बताएंगे हम तुम लोग को भैया, पहला कंडीशन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, दैट इंप्लाइज वर्क डन इक्वल्स टू 4 इनटू डिस्प्लेसमेंट, 4 इनटू 0 इक्वल्स टू 0। दूसरा क्या बताएंगे भैया यहाँ पे, थीटा इक्वल टू 90, an angle between force and displacement is 90 degree, exactly यही लिखना है, ठीक है, कि angle between force and displacement is 90 degree, cos 90 is equals to 0, भैया w is equals to fs cos theta, w यहाँ पे क्या हो जाएगा theta, fs cos 90, और यहाँ पे ये fs क्या आ गया into 0, तो work done क्या आ गया, 0 आ गया, खत्म हो गया ये तो, ठीक है। case 2 में और कुछ नहीं बचा, बस यही था, और ये case important भी है। तो यहाँ पे देख ये रहा, तो यहाँ पे तुम लोग देखो यही चीज बताया, ठीक है, cos 90, तो इसका एग्जांपल तुमको बता दिए, गोल वाला बताया यहाँ पे, ठीक है, अगर हम गोल करके ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके यहाँ फोर्स लग रहा है अंदर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, थीटा हो गया 90, भैया cos 90 इक्वल्स टू 0, वर्क डन निकालो, एफ एस cos 90 यहाँ पे आ गया 0, और एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 विल बी 0, ठीक है, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0। तो यहाँ पे देख सकता है इस केस में भैया वर्क डन जो आ रहा था वो पॉजिटिव आ रहा था, और इस केस में वर्क डन जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, नेगेटिव, 0। हाँ ठीक है, जीरो नेगेटिव नहीं होता है, 0 आया। अब आता है तीसरा केस, जो कल तक यहां तक हम तुमको बताए थे, चलो बुक में भी देख लो और उसको मार्क कर लो। यहाँ पे देख, सब बच्चा मार करो ये वाले पॉइंट पर, भी हम बताते, तो तुम लोग देख यहाँ पे क्या बोलता है, वर्क डन इज 0, ठीक है, वर्क डन इज क्या बता रहा है, 0, ठीक है। जब कब cos 90 किसके बराबर, पहले बताया थीटा 90 है, cos 90 0 के बराबर आ जाता है, तो वर्क डन 0 के बराबर आ गया। कोई एग्जाम्पल समझो, रटना तो कुछ नहीं है, व्हेन ए कूली वर्क्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, एक फिगर बना लो ऐसे करके, ठीक है, कि ये जो है वेट इधर नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट सामने हो रहा है, ठीक है, तो ये चीज तुमको पता होना चाहिए, F is equal to W, तो भैया यहाँ पे थीटा हो गया 90, अब इसके बाद देखो वही चीज है, the displacement of load is normal to the direction of force of gravity which is vertically downward, ठीक है, जो किस तरफ है, downward, the pulley does work against the force of friction when he moves, अब यहाँ पे note, ये जो note आया
ये हम तुमको तीसरा पॉइंट के बाद बताएंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट में हम बताएंगे क्या बोलना चाह रहा है, देख ठीक है भैया काम कर नहीं रहा है, ठीक है वो लोड लेके चल रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा है, लेकिन एक और चीज हो रहा है। अब तुम लोग मेरे को बताना, हम चल रहे हैं सामने या तुम भी चलते हो, ठीक है हम लोग चल रहे हैं सामने, ये हुआ फोर्स, लेकिन तुम्हारा पैर जो है जमीन से रगड़ा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है यहाँ पे, सॉरी डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा आगे हो रहा था और फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ। तो अब मेरे को बताओ इन दोनों के बीच में कितना डिग्री आ गया, 180 डिग्री, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स का अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 180। तो ये मेरा तीसरा पॉइंट आएगा केस, लेकिन अभी हम यहाँ पे ये नोट करके बता दिया कि हाँ जब लेके चल रहा है तो कोई काम नहीं कर रहा वजन पे, लेकिन जब चल रहा है जमीन का अगर हम बात करें, जमीन का बात करें, डिस्प्लेसमेंट सामने हो रहा है और फोर्स पीछे लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, पीछे लग रहा है, तो इनके पूरे के बीच में कितना एंगल आ जाएगा, 180 डिग्री। ये तीसरा पॉइंट है, बताते पहले ये सेकेंड पॉइंट समझ ले सब अच्छा। व्हेन अ बॉडी, म्यूट कर लो सब, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ इन हॉरिजॉन्टल प्लेन नो वर्क इज डन सिंस द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द बॉडी इज डायरेक्टेड। ये बताना पड़ेगा तुमको, ये आता है सेंट्री, कौन सा फोर्स लग रहा है, तुम लोग को पढ़ाए थे चैप्टर वन में सेंट्रीपिटल, ये बच्चा लोग जान लो, जो जो नहीं जानता है, अगर सेंटर की तरफ कोई फोर्स लगता है उसको हम लोग बुलाते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। ऑन दी बॉडी इज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर पाथ, तो ये जो फोर्स लग रहा है ये कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड द डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट, बताए थे तुम लोग को कैसे निकालेंगे एट एनी इंस्टेंट, अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, बाय ड्राइंग अ टेंजेंट, हाँ नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द बॉडी, बस खत्म हो गया। इट इज फॉर दिस रीजन दैट इन ए सर्कुलर पाथ द काइनेटिक एनर्जी एंड हेंस द स्पीड ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज। तो तुमको ऑलरेडी बताया भैया, कोई भी इंस्टेंट पे आप देखो 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है हर इंस्टेंट पे यहाँ पे देखो वेलोसिटी नहीं बदल रहा है, तो क्या बदल रहा है जल्दी बता, डायरेक्शन, बे सीधा सीधा डायरेक्शन बोलना, एक्सेलरेशन सब तो बात का चीज है। यहाँ पे देख स्पीड ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज ऑल्दो अ फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी फर्दर ऑन कंप्लीशन ऑफ वन कंप्लीट, अब यहाँ पे देखो यही बता रहा, ऑन वन कंप्लीट रोटेशन टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, जीरो, ठीक है जहां से चले थे वहां घूम के आ गए तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो आ गया, तो वही दोनों पॉइंट साथ साथ बता रहा है। तो यहाँ पे तुम लोग देखो आ गया ना वही चीज जो बताए थे, ये मार्क करो अपने अपने बुक में, इंपॉर्टेंट है, कंडीशन फॉर द वर्क डन फॉर अ फोर्स टू बी जीरो, तो यहाँ पे यही बताए जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, और जो लाइन बोला था बादल, ठीक है व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या ये वो बच्चा बोला था कि जब दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री आएगा तब। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि किस किस कंडीशन में नो वर्क इज डन, जैसे तुम लोग पढ़ा था मोमेंट में, ठीक है कि कब कब इक्विलिब्रियम होता है, उसी तरह इस चैप्टर में तुमसे ये इंपॉर्टेंट है कंडीशन, फिजिक्स में आता है बहुत बार कंडीशंस पे क्वेश्चन, फिजिक्स का भी जो है ना मार्किंग स्कीम होता है क्या, क्वेश्चन वन ए बी सी डी ई दो 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 ऐसे करके इसका मार्किंग स्कीम रहता है, ठीक है। कल तो जैसे बायोलॉजी का तुमको बताया, बायोलॉजी में क्या रहता है, सेक्शन ए का जैसा था वैसा ही रहता है, सेक्शन बी का होता है क्वेश्चन नंबर टू ए और बी, इसका 5 मार्क्स क्वेश्चन, इसका 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है यही बोर्ड का पैटर्न रहा है आज तक, तो इसी हिसाब से हम कोशिश करते तुम लोग का पेपर भी सेट करने का, ध्यान रखना। अब इसके बाद आ जाओ देखो क्या बताता है केस थ्री, ठीक है केस थ्री थोड़ा समझना, ठीक है कुछ भी नहीं है जैसे 1-2 था वैसे ही है, बस तुमको यही देखना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में किस डायरेक्शन में लग रहा है। नहीं भैया ओके, तो यहाँ पे अब देखो तीसरा जो केस था, तीसरा केस है क्या कि भैया हम लोग जो है फोर्स आगे लगाएंगे या डिस्प्लेसमेंट पीछे होगा, ठीक है या जो भी डिस्प्लेसमेंट आगे फोर्स पीछे, तो इनके बीच का जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है 180 डिग्री, तो इस बार थीटा कितना आया जल्दी बता, 180, तो cos 180 का वैल्यू बता कितना, -1। यहाँ पे हम एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाले, क्या भैया w इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा होता है, तो एफ एस क्या हो जाएगा 180, तो बता एफ एस कॉस 180 का वैल्यू जल्दी बता, -1। इस बार वर्क डन जो आया वो क्या आया, नेगेटिव, माइनस नेगेटिव आया,
तो केस वन, केस टू, केस थ्री में तुम लोग ये चीज देखा होगा सब बच्चा लोग ध्यान से, ठीक है। जब थीटा भैया जीरो डिग्री था तो पॉजिटिव आ रहा था, थीटा 90 डिग्री था जीरो आ रहा था, थीटा 180 है तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज बता रहे, यहाँ पे क्या बताए तुम लोग को, यही बात बताए। अब इसका हम एग्जाम्पल्स तुम लोग के साथ बताते जो तुम लोग को जानना है, ठीक है। तो तीन एग्जाम्पल हम तुमको बताएंगे जिसमें ऑलरेडी एक बता चुके हैं वो फ्रिक्शन वाला। दूसरा एग्जाम्पल क्या है भैया, हम लोग कुआं से क्या करते हैं ना, बाल्टी निकालते हैं। तो ऐसे करके अगर कुआं है, ठीक है, यहाँ से हम लोग एक बाल्टी खींचे, तुम लोग मेरे को बता तुम लोग फोर्स किस तरफ लगा रहे हैं? अपवर्ड। यहाँ पे ठीक है, देखो बाल्टी का वेट लग रहा है नीचे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, तो दोनों के बीच वापिस से एंगल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। तो थीटा का वैल्यू आ गया 180, तो यहाँ भी वर्क डन जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस एंगल कॉस। दूसरा एग्जांपल जो सबसे इंपॉर्टेंट है और इससे पूछा जाता है, ठीक है, इसको बुलाते फ्री फॉल। इसको क्या बुलाते, फ्री फॉल ऑफ बॉडी। हम अपना अगर, हम लोग सब जानते हैं कि कोई भी चीज को अगर छोड़ेंगे तो किस तरफ गिरेगा, डाउनवर्ड। भैया यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है, हम एक पत्थर को ऊपर फेंके, पत्थर को क्या फेंके, ऊपर की तरफ फेंके। अगर पत्थर को ऊपर की तरफ फेंके, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है लेकिन फोर्स किधर लग रहा है बताओ, डाउनवर्ड। यहाँ पे हम फोर्स जो है, ठीक है, या ऐसे सोचो इसको हमने ऐसे करके छोड़ दिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है नीचे की तरफ ऐसे करके क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, जो कि मतलब ऊपर की तरफ फेंके हैं, वेट नीचे की तरफ लग रहा है, वेट किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आता है कि दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया, 180। अब भैया मान लीजिए ये एच हाइट जा रहा है, कितने हाइट जा रहा है, एच हाइट, और यहाँ पे मास इसका क्या है, एम। तो वर्क डन जो आ जाएगा वो क्या चीज के बराबर आ जाएगा, एम जी एच माइनस एम जी एच, माइनस एम जी एच में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस। क्यों माइनस हुआ, माइनस हो गया, तो एफ के जगह आ गया एम जी, एस के जगह आ गया एच, कॉस 80, 180 की जगह आ गया माइनस, तो ये आ गया माइनस एम जी एच। तो देखिए वर्क डन जो आ गया वो क्या आ गया, माइनस एम जी एच। तुमको यही बताना था, अब तुम एक बार अपने बुक में देखो, यहाँ पे तुम लोग देखोगे तो तुम लोग को दिख रहा होगा क्या, व्हेन ए बॉडी मूव्स ऑन ए सरफेस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन, ठीक है, बना लिया करो जब बताते हैं, यहाँ अपने बुक में साइड में ड्रॉ कर लो, सिंपल सा है क्या, कि व्हेन ए बॉडी मूव्स ऑन ए सरफेस, कोई बॉडी अगर सरफेस पे ऐसे करके क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड द सरफेस इन डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे वही चीज बताया, आगे डायरेक्शन जा रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, तो भैया दोनों के बीच में 180 डिग्री आ गया, दोनों के बीच में कितना है डिग्री आ गया, 180 डिग्री, बस यही बात बताए। फिर वही चीज देखो क्या बताता है नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे लिखता है व्हेन ए बॉल ऑफ मास एस इज थ्रोन अपवर्ड, एक बॉल है जिसको क्या किया गया, ऊपर की तरफ फेंका गया है, कितने हाइट पे, एच हाइट पे फेंका गया है, द डिस्प्लेसमेंट एच इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है भैया, नीचे लग रहा है, ठीक है भैया, वेट इसका नीचे लगेगा, तो इस केस में देखिए क्या हो रहा है, अगर इसका मास मान लेते हैं एम, तो वही चीज बता रहा है वर्क डन जो आ जा रहा है वो क्या आ जा रहा है, माइनस एम जी एच आ रहा है, खत्म हो गया, ठीक है। तो यही तीन केस है जो तुम लोग को, एक केस तो पक्का आएगा ही आएगा एग्जाम में, ठीक है, दो मार्क्स का एक केस पक्का देना ही देना है, चाहे कूली वाला दे, बॉल वाला दे, कोई सा भी एक केस तुमको दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो फिर क्या बताता है, इसके बाद यहाँ पे आता है ग्राफ। तुम लोग कितना ग्राफ पढ़ा था क्लास नाइन्थ में, तुमको भी पता है, तो उसमें हम लोग पढ़े थे, पहला चीज तो ये देख, ये कौन सा ग्राफ हमको इतना सा खाली बताओ, वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो भैया यहाँ पे एक चीज देखिए, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है और वाई एक्सिस पे तुम्हारा क्या है, वाई एक्सिस पे तुम्हारा फोर्स। तो कहता है यहाँ पे ध्यान से देखना, इसका अगर एरिया अंडर कर्व निकालेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर हम एरिया अंडर कर्व निकालेंगे तो वो मेरे को क्या देगा, तो यहाँ पे तुम लोग पढ़ लो, लिखता है क्या बोला, द एरिया इनक्लोज्ड बाय द स्केच एंड द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस गिवन गिव्स द वर्क डन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना,
ये हमको सीधे सीधे क्या दे देगा, वर्क डन दे देगा। तो तुम लोग देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन एक है तुम्हारा एक्सरसाइज में और आता भी है, ठीक है। हम तुमको क्या किए, एक ग्राफ ऐसे बना के दे दिए, ध्यान से देखना सब बच्चा और सुनना। हम बोले यहाँ पे कि ये 10 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है, ये फोर्स है, और इधर ये 10, 20, 30, 40 और 50 कर देते, ठीक है। ये यहाँ तक क्या कर देते, 50। कौन बच्चा मेरे को बता सकता वर्क डन कितना होगा? भैया एरिया अंडर कर्व, ठीक है, एरिया अंडर कर्व। तो ये कर्व है, इसके अंदर का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आ जाएगा, ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो भैया बेस का देखिए यहाँ से यहाँ का वैल्यू आप 50 दे रखे, हाँ दे रखे, हाफ इंटू 50, और हाइट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो 10, तो कितना आ गया बता, 500। जिसको ये पता रहेगा कि एरिया फोर्स डिस्प्लेसमेंट का एरिया अंडर कर्व हमको वर्क देता है, वो तुरंत बना लेगा, ठीक है। जिसको ये नहीं पता वो फंस जाएगा। तो तुम्हारा फिजिक्स में मैथ्स नहीं रहता है, यहाँ पे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होता है, वैल्यू पुट करना है, कोई ये नहीं है कि बहुत बड़ा बड़ा फॉर्मूलाज रहता है, नहीं वैसा कुछ नहीं। बोर्ड एग्जाम का बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है, एकदम सिंपल फॉर्मूला आता है। हम तुमको यहाँ पे बस यही चीज सिखा रहे हैं कि एरिया अंडर कर्व ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट गिव्स यू वर्क डन देता है। वो क्या देता है, तो वर्क डन, खत्म हो गया कहानी, ठीक है। चलो आज एक बार हम लोग इतना ही रख। अब देखें यहाँ पे वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ये हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, वही चीज वापिस बता रहा है कि वर्क डन फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना करता है, mgh। तो mgh ये बताओ प्लस mgh किस केस में करता है, माइनस mgh किस केस में करता है। जब पत्थर को नीचे फेंकेंगे, दैट इज अगर ये फ्री फॉल हो रहा है भैया, तो यहाँ वर्क डन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, एमजीएच। लेकिन जब पत्थर को ऊपर फेंकेंगे तो वर्क डन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस एमजीएच आ जाएगा। तो यही चीज बताया गया है तुम लोग को, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे वही चीज बता दिया वापिस से, तुम वापिस से एक्सप्लेन करने वाले नहीं है। तो यहाँ पे देख सकता है एफ एस, और इससे क्या निकल गया, एमजीएच निकल गया। दस वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी सेम वेदर अ पर्सन क्लाइम्स डाउन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट यूजिंग अ स्टेयर्स और स्लोप्स और टू अ लिफ्ट और एलिवेटर। ये वाला क्वेश्चन जो आता है ना, गिव रीजनिंग में क्वेश्चन आता है। हम तुमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछते, ध्यान से देखो सब बच्चा लोग। हम सीढ़ी चढ़ के गए, ठीक है, और हम लिफ्ट से चढ़ के गए, तो मेरे को ये बताओ कि मेरा दोनों केस में वर्क डन सेम आएगा कि अलग अलग आएगा, ये बताओ। अलग अलग आएगा, अलग अलग होगा भैया, क्योंकि लिफ्ट से गए तो वो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्वेश्चन यहाँ क्या लिखा हुआ है सुनो, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी सेम, ठीक है, सेम है वेदर अ पर्सन कम्स डाउन फ्रॉम द सर्टेन हाइट यूजिंग द स्टेयर्स और स्लोप्स और एलिवेटर और लिफ्ट, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ पे? तुम लोग को यहाँ पे ये समझना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन पीछे है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बताया जाएगा तुम लोग को, ठीक है। आज अगर हो जाएगा न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। तो अगर तुम लोग यहाँ से यहाँ चढ़ के गया, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, तब भी ये जो हाइट आ रहा है h, हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा mgh। यहाँ तो भैया हाँ वर्टिकली हाइट जा रहा है, तो इस केस में mgh आएगा। तो यहाँ पे यही बताना चाह रहा है, डजेंट मैटर, ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगर देखेंगे तो ये वर्टिकल हाइट है, डिस्प्लेसमेंट अगर देखेंगे तो क्या है, वर्टिकल हाइट, ना कि ये अगर ऐसे करके जाएंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा भैया। हमको डिस्टेंस नहीं, हमको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो हमको इसके लिए एच जो लेना पड़ेगा वो कौन सा एच लेना पड़ेगा, वर्टिकल हाइट लेना पड़ेगा। तो उस केस में वर्क डन क्या आ जाएगा, एमजीएच। तो ऐसा करके क्वेश्चन आता है कि कंपेयर द, ठीक है, कंपेयर द वर्क डन व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ स्टेयरकेस एंड व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ लिफ्ट। तो दोनों केस में जो वर्क डन आएगा, जब कंपेयर आएगा, तो बताओ उसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, 1:1। वेरी गुड, यहाँ पे भी कोई भी वैल्यूज आप दे दो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, वर्क डन क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों केस में भी है एमजीएच है। मान लीजिए वर्क डन बाई यहाँ पे स्पेयर केस जो आया एमजीएच आया, और वर्क डन बाई लिफ्ट जो आया वो भी एमजीएच आया। भैया आप कंपेयर करने बोले, हम डिवाइड कर दिए, दोनों को कैंसिल कर दिए, तो क्या आ गया, 1:1 आ गया। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रहा। इसके बाद देखो क्या बताता है, सिमिलरली अ बॉय ऑफ मास m गोज अप थ्रू अ वर्टिकल हाइट h आइदर डायरेक्टली और थ्रू द स्टेयर्स और स्लोप, वर्क डन क्या आ जाएगा, माइनस mgh आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे तो वो वाला बात हो गया कि ऊपर जाने वाला और नीचे वाला, तो माइनस तो बात का बात है भैया, आप लोग को पहले भी बताए थे कि ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस mgh। तो यहाँ पे जैसे सीढ़ी से हम लोग ऊपर जा रहे या लिफ्ट से ऊपर जा रहे, तो वर्क डन प्लस mgh आएगा कि माइनस mgh आएगा, ये बता। प्लस mgh,
माइनस एमजीएच माइनस एमजीएच वर्क डन जो आएगा वो माइनस एमजीएच आएगा. और जब हम लोग नीचे जाएंगे ठीक है, जब नीचे जाएंगे तो भैया आपका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, आपका फोर्स भी नीचे जा रहा है, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, प्लस एमजीएच आ जाएगा. क्लियर है सबको यहाँ तक? अब यहाँ पे देखो तो हम लोग सीजीएस का बात करेंगे. तो यहाँ पे अब तुम लोग को एक और चीज बताएंगे, जैसे बताए थे न्यूटन का डाइन होता है, तो यहाँ पे जैसे एक दिन अर्पित पूछ रहा था यहाँ पे वर्क का सीजीएस यूनिट क्या आता है, तो वर्क इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स का बता एक फोर्स का क्या बताए हम लोग, न्यूटन पढ़े, और फोर्स का ऐसा ही सीजीएस यूनिट क्या है, जल्दी बता ठीक है. तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10^5 डाइन आ गया भैया. आप ये देखो फोर्स हो गया 1 न्यूटन और आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया 1 मीटर. न्यूटन का सीजीएस यूनिट जल्दी बता क्या हुआ, 10^5 और 1 मीटर का क्या हुआ जल्दी बता, सेंटीमीटर. तो ये डाइन सेंटीमीटर को हम लोग क्या बुलाते हैं जल्दी बता, अर्ग. अर्ग. तो 1 जूल इक्वल्स टू कितना आया, 10^7 अर्ग आ गया. तो अब से ये चीज ध्यान रखना, ये किसके बीच में आया रिलेशन, दिस इज रिलेशन बिटवीन बताओ तुम लोग SI एंड वर्क. वेरी गुड ठीक है. तो ये सब बच्चा लोग को ध्यान रखना, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो पूरा ये तुमको दिखाना पड़ेगा डिराइव करके. 1 मार्क्स का आएगा तो बस ये लिख के छोड़ देना ठीक है. और ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है, पहले ही बता देते तुम लोग को. क्लियर हो गया सब बच्चा लोग को? हाँ भैया. ओके अब आता है इसके बाद क्या, यही सारा चीज बताएगा. चलो देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखता है. चल देख ऐसा यूनिट, अब इसको डिफाइन करना, तो गधा की तरह बैठ के डिफाइन करने मत लग जाना, हम सिखाते हैं कैसे याद करना है ये. अगर बहुत बार आ जाता है कि डिफाइन 1 जूल, तो बहुत इजी है भैया. 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. भैया देखिए क्या बात बता दिया, तुमको पता ही था. यहाँ पे बोला कि वर्क को ले ले डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ इंटू एफ, हाँ ले लिए भैया. फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है. हम यहाँ एक ऑब्जेक्ट को रख दिए, हाँ रख दो, इस पे हम कितना फोर्स लगाए, 1 न्यूटन लगाए, लगा लीजिए भैया. ये जो ऑब्जेक्ट है कितना मीटर मूव किया है, 1 मीटर मूव किया. तो जब इस ऑब्जेक्ट पे आप 1 न्यूटन का फोर्स लगाओगे और जब ये 1 मीटर मूव कर जाएगा तो तुम जो काम किया ही उसी को कहेंगे 1 जूल. उसी को क्या कहेंगे, 1 जूल. तो पढ़ लो यही चीज तुमको स्टेटमेंट में लिखना है. 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन. तो याद करना ऐसे ही है, 1 न्यूटन 1 मीटर इक्वल्स टू 1 जूल आ गया इसी से भैया. जब 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी, देखिए ये कितना का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 1 मीटर का हुआ है थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. बहुत बढ़िया, 1 मीटर का हुआ इन इट्स ओन डायरेक्शन. इसका मतलब क्या है भैया, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाए हो उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को भी क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है. अब इसके बाद देखो फिर क्या बताता है, ये याद कर लेना. आई होप तो बहुत बच्चे को याद भी होगा, क्लास 9 में पढ़ा था किलो मेगा गीगा, ये याद होगा. देख ले 10^3, 6, और 9 का अंतर है ठीक है. तो किलो मेगा और गीगा हमेशा इसको तुमको क्या चीज में चेंज कर लेना है, जूल में चेंज कर लेना है भैया. चलो अब देखो यहाँ पे फिर आता है एक अर्ग को डिफाइन करना. तो क्या है बता, तुम लोग ही बनाओ, रटा मत करो कभी भी. एक अर्ग क्या था भैया, आप हम लोग को सिखाए 1 जूल इक्वल्स टू 10^7 अर्ग. तो हो क्या जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 अर्क ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 डाइन. अब यहाँ पे भैया 1 न्यूटन की जगह क्या चीज में चेंज हो गया, 1 डाइन में चेंज हो गया. बहुत बढ़िया बात है. और भैया ये कितना डिस्प्लेस करेगा, 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करेगा. तो इफ 1 अर्क ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 डाइन डिस्प्लेसेस द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन. सेम डिफरेंस है, सेम डेफिनेशन है, बस अंतर क्या चीज का है, यूनिट का अंतर है. तो आप लोगों को वही चीज सिखाएं, ये देख लो, ये मार कर ले और स्टार मार कर ले, ये आता है रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग. तो हम तेरे को सिखा दिए कि 1 जूल इक्वल्स टू कितने अर्ग के बराबर होता है भैया, 10^7 अर्ग. अर्ग बोले तो क्या चीज का यूनिट हो जाता है, डाइन सेंटीमीटर को हम लोग अर्ग बुलाते हैं. क्लियर है सब बच्चा लोग को? हाँ भैया. ओके अब हम लोग नया टॉपिक पे आते हैं भैया. वर्क वाला पार्ट खत्म हो गया, अब स्टार्ट होता है पावर. तो तुम लोग भी सब बच्चा देखा है कि अगर कोई भी मशीन खरीदते हैं तो हम लोग उसके क्या चीज के बारे में बात करते हैं, पावर के बारे में बात करते हैं कि उस मशीन का पावर कितना है. तो पावर हम लोग को देखना पड़ता है. तो पावर क्या होता है भैया, कि गिवन टाइम में वो कितना काम किया वही उसका क्या कहलाता है, पावर कहलाता है ठीक है. तो यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर.
तो रेट वर्ड तुम लोग पढ़ लिया था कब, क्लास सेवेंथ में ही एट में ही पढ़ लिया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो हम पढ़ाए थे। कहीं भी वर्ड रेट आएगा तो इसका मतलब डिवाइडेड बाई क्या है, टाइम। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है, टाइम। तो पावर इक्वल्स टू क्या हो जाता है, वर्क बाई टाइम हो जाता है। पावर इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, वर्क बाई टाइम। अब चलो हम लोग इसका ऐसा यूनिट निकालते, कौन बच्चा बताएगा मेरे को वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, वर्क वर्क ऐसा यूनिट जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। हम पूछते हैं वर्क का तो जूल पर सेकंड, आराम से, ठीक है, सही बता रहा है लेकिन अटरा रहा है। वर्क का जूल होता है, टाइम का सेकंड होता है, जूल बाई सेकंड को क्या बुलाते हैं, जूल पर सेकंड, वॉट। हाँ पढ़ लो नहीं तो लगेगा। यहाँ पे जूल पर सेकंड को क्या बुलाते हैं, वॉट बुलाते हैं। तो पावर का ऐसा यूनिट जो हुआ वो क्या आया, वॉट आया। तो ये चीज ध्यान रखना, कोई भी मशीन खरीदते हैं, ठीक है, चाहे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि वो क्या बोलते हैं, हेयर ड्रायर ही खरीदे, ठीक है, आयरन खरीदे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते, टीवी खरीदते, एसी खरीदते, सब में पावर लिखा रहता है, ठीक है। बहुत मतलब बहुत बाद में कोई चैप्टर आने वाला है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें भी तुमको पढ़ाया जाएगा पावर रेटिंग। अगर तुम एक बल्ब भी खरीद के लाता है तो उसमें लिखा रहता है 100 वाट 220 वोल्ट। तो ये वॉट क्या है उसका भैया, उस बल्ब का पावर है, उस बल्ब का क्या है, पावर है। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। पावर जो होता है वो क्या बताता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज यहाँ पे ये आ जाता है, ठीक है। तो ये उसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है भैया। इसका भी हम लोग क्या निकाल लिए, ऐसा यूनिट निकाल लिए, क्या हो गया, वॉट हो गया। तो ये चीज ध्यान रखना। अब हम तुमको एक क्वेश्चन बता रहे जो रिसेंट ईयर्स में लगातार क्वेश्चन आ रहा है इस फॉर्मूला पे। भैया पहले तो ये बताइए, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो ये भी कैसा क्वांटिटी हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी हो जाता है, ठीक है। ये भी कैसा, अच्छा वर्क बताओ तो कैसा क्वांटिटी था, वर्क कैसा क्वांटिटी था, स्केलर था। चलो एक फिर देखो, एक नया बात बता रहे तुम लोग को, ठीक है। यही ये सब चीज आएगा वेक्टर वाले, जब तुम लोग क्लास नाइन्थ में जाओगे तब पढ़ोगे, ठीक है। कोई काम नाइन्थ बोलते, इलेवेंथ में जाओगे तब पढ़ोगे, कोई काम का नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देख लो, ताकि कभी भी ऐसे स्केलर वेक्टर पूछे क्या है तो बता सको। हम लोग पढ़े थे वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का दोनों कैसा क्वांटिटी था, वेक्टर का प्रोडक्ट जो आ रहा था वो क्या आ रहा था, स्केलर। ये चीज ध्यान रखना कि वेक्टर इनटू वेक्टर जब भी करेंगे तो वो स्केलर क्वांटिटी देता है। अब यहाँ पे देखो, पावर इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम आया, वर्क कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। टाइम कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। तो ये भी कैसा आया, स्केलर डिवाइडेड बाय स्केलर, स्केलर आता है। लेकिन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर करेंगे तो स्केलर आता है। तो ये सब चीज को ध्यान देना, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज है। जैसे टाइम कैसे बताए भैया आप, स्केलर। घड़ी हम लोग जो देखते हैं, घड़ी का कोई डायरेक्शन नहीं होता, समय खराब चल रहा है बट नेगेटिव नहीं बोलते वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही चीज हम तुम लोग को बता रहे हैं कि पावर जो है उसका ऐसा यूनिट इज स्केलर क्वांटिटी। क्या हो जाता है उसका ऐसा यूनिट, स्केलर क्वांटिटी। तो ये चीज ध्यान रखना बस, उसमें और कुछ भी नहीं बोलना चाह रहे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आने वाला है जो कि तुम लोग को आएगा एग्जाम में, क्योंकि रिसेंट बोर्ड एग्जाम में 2019, 2018, 2017 में हर बार लगातार क्वेश्चन पूछा है। स्कूल का भी एग्जाम हुआ है, चाहे जोसेफ हो, एसएससी हो, कार्मल हो, टेरेसा हो, सब में ये क्वेश्चन पूछा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट क्या है भैया, फॉर्मूला याद होगा तो आंसर दे दोगे, नहीं होगा तो नहीं दे पाओगे। अब हम लोग यहाँ पे पढ़े, देखो पावर इज इक्वल्स टू वर्क बाई टाइम पढ़े, ठीक है। अभी हम लोग देखे यहाँ पे वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को क्या बुलाते हैं, वेलोसिटी। तो ये एक फॉर्मूला आया, ठीक है। अगर हम गाड़ी का एक स्पीड दे दे कि एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और मेरे को यहाँ बता दिया गया है, और वो टकराया है यहाँ पे कोई चीज से, और वो फोर्स लगाया 1000 न्यूटन, ठीक है, तो बताओ उस गाड़ी का पावर क्या था। तो क्या करेंगे भैया, 1000 इंटू कितना कर देंगे, 20 कर देंगे, दैट इज कितना आ जाएगा, 1, 2, 3, 4 आ जाएगा। तो 20,000 क्या आ जाएगा बता, वॉट आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला जिसको जिस जिस बच्चे लोग को याद था वो लोग तुरंत आंसर, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था और उन लोग फटाक से बना लिया, ठीक है। अब जैसे हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चलो देखते हैं कौन इसका आंसर कर सकता है, सब निकालना और हमको चैट में रिप्लाई करेगा। अ कार इज ट्रेवलिंग, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, ठीक है। तो बताओ पावर क्या है उस गाड़ी का या उस ऑब्जेक्ट का, फिर से
स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और वो फोर्स लगाया. क्वेश्चन था कि गाड़ी का स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर. अब यहाँ पे अभी इसलिए जान मुझ के क्वेश्चन दे दिए तुम लोग को, अभी बताए थे कि किलोमीटर पर आवर ये क्या इसका ऐसा यूनिट है. नहीं भैया, मीटर को 5/18 करना था भैया, ये चार बार में कटता 20 मीटर पर सेकंड बनाना था. ओके, और फोर्स आप बताए 20 न्यूटन भैया. अब वर्क निकालना है तो फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है, सॉरी पावर निकालना है फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो 20 × 20 आ जाता और ये आ जाता 400 वॉट. ठीक है, तो देखो ये गलती किया. 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, ठीक है. इस बार हम जो 10 का बोर्ड पैटर्न एग्जाम लिए तो वो लोग को ये क्वेश्चन डाले थे, ठीक है, वो लोग बना लिया था बहुत बच्चा, लेकिन कुछ बच्चा वही 1440 सेंसर लाया था, तो ये सब चीज का ध्यान देना. बस गलती इसलिए यहाँ पे हो गया कि तुम लोग किलोमीटर पर आवर पे ध्यान नहीं दिया, पटाक से इंटू करके हमको आंसर दे दिया. तो समझ में आ गया गलती कहाँ हुआ था, तो कोई बात नहीं, अच्छा है तुम लोग को टेस्ट में नहीं देखे, यहाँ पे दे दिए तो टेस्ट में तुम लोग गलती नहीं करोगे. तो ध्यान क्या करो ये सब छोटे छोटे बात पे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी लगातार आ रहा है हर साल. अब चल देख, ये सारा क्वेश्चन जितना डिस्कस कर रहे हैं ना सब तेरे एक्सरसाइज में, ठीक है, दिखाएंगे तुम लोग को. दिस पावर स्पेंड बाय सोर्स डिपेंड ऑन दी अमाउंट ऑफ वर्क और टाइम टेकन. ठीक है भैया, कोई बहुत बड़ा बात तो आप नहीं बताए हम लोग को. हाँ नहीं बताए, एकदम सही है. अब इस पे भी एक क्वेश्चन है, जो सीढ़ी वाला क्वेश्चन बता रहे थे ना तुम लोग को, कि बताओ मेरे को अगर कोई लिफ्ट से जा रहा है या कोई सीढ़ी से जा रहा है तो बताओ कितना पावर होगा. ठीक है, तो भैया वर्क निकाल लीजिए, टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, डिवाइड कर दीजिएगा, पावर इक्वल्स टू वर्क बाई टाइम, आप उसका पावर निकाल लोगे. ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज बोलना चाह रहा है और कुछ भी नहीं है. इफ ए कुली ए टेक्स 1 मिनट टू लिफ्ट ए लोड टू द रूफ ऑफ अ बस, वेल अनदर कुली टेक्स 2 मिनट टू लिफ्ट द लोड टू रूफ ऑफ द बस, सेम बस, वर्क डन बाय बोथ द कुली इज सेम. देखो अब बताओ यहाँ पे बहुत अच्छा बात बताया, सब अच्छा अंडरलाइन करो, क्या चीज सेम बताया है, वर्क डन. क्यों बताओ, वर्क डन सेम कैसे आया और कितना आएगा, क्योंकि भैया कुली ए कम ज्यादा पावर लगाया और कुली बी कम पावर लगाया है. अरे तो ज्यादा कम लगाया तो सेम वर्क डन आ जाता ना, यहाँ बोल रहा है वर्क डन इज सेम. वेरी गुड, टाइम से कोई रिलेशन नहीं है. एग्जैक्टली, ठीक है, वर्क का टाइम से कोई रिलेशन नहीं है. भैया आप लोग को ये चीज बता चुके हैं कि वर्क डन क्या चीज के बराबर आ जाएगा, एमजी, एमजीएच के बराबर आ जाएगा. ठीक है, वर्क डन क्या चीज के बराबर आ जाएगा, एमजीएच के बराबर आ जाएगा. ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है और ये सब क्वेश्चन डिसाइड करता है कि कौन टॉपर है और कौन एवरेज स्टूडेंट है या कौन बिलो एवरेज है. तो ये सब पे ध्यान दो, ठीक है, ये सब छोटा छोटा चीज ही है जो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन सब है जो तुम लोग से पूछा जाएगा. तो यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन है, फिर से तुम लोग हमको आंसर करना. चलो हम तुमको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, वो बना के दिखाओ मेरे को. यहाँ पे एक लड़का जो है सीढ़ी चढ़ा, ठीक है, एक लड़का जो है सीढ़ी चढ़ा, ये लड़का जो सीढ़ी चढ़ा, सुनना क्वेश्चन क्या है, इस सीढ़ी का स्टेप जो है, ठीक है, ये एक एक स्टेप 20 सेंटीमीटर का है और भैया ये जो टोटल सीढ़ी है 20 सीढ़ी है, 30 स्टेप्स, कितना स्टेप्स है, 30 स्टेप्स है. एक बार लड़का चढ़ा और एक बार हम यहाँ पे लड़की को चढ़ा दिए ऐसे करके, ठीक है, इसका चोटी बना दी हम लोग. अब यहाँ पे तुम लोग देखो, ठीक है, लड़का भी यहाँ पे 30 स्टेप चढ़ रहा है, लड़की भी जो है 30 स्टेप चढ़ी है, एक स्टेप का जो सेंटीमीटर बताए 20, ये भी 20, 20, 20, 20, 20 ऐसे करके भैया 30 स्टेप चढ़ा. लड़का को लगा भैया यहाँ पे 3 मिनट और ये लड़की फुदकते फुदकते 2 मिनट में ही चढ़ गए. तो मेरे को यहाँ पे बताओ वर्क डन बाई दी बॉय एंड वर्क डन बाई दी गर्ल कितना होगा, पहला क्वेश्चन. फिर बताओ पावर ऑफ बॉय कितना होगा और पावर ऑफ गर्ल कितना होगा, सोच के समझ के आंसर सब बच्चा को करो भैया. मास बताइए, बताना चाह रहे हैं, ठीक है. आप लोग को यहाँ बताया गया क्या कि सीढ़ी जो चढ़ा, ठीक है, सबसे पहला बात है कि क्वेश्चंस को इजी बनाना है. टीचर समझ जाता है बच्चा का पेपर देख के, नहीं ये बच्चा तेज है, ठीक है. कैसे, जो सबसे स्मार्टेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होगा वो लोग क्या किया होगा, देखो आप लोग को ये चीज डिस्कस कर दिया गया है कि अगर सीढ़ी से चढ़ो या लिफ्ट से चढ़ो तो वर्क डन तो यहाँ पे आने वाला है एमजीएच. वर्क डन क्या आने वाला है, एमजीएच. और यहाँ पे ये जो एच है, दिस इज दिस हाइट नॉट दिस हाइट, ठीक है. अगर तुम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो 30 स्टेप्स बोले थे भैया और इस स्टेप का 20 सेंटीमीटर बोले थे, ऐसे करके अगर हम निकाल लेते सेंटीमीटर को कन्वर्ट करके, ये कट गया, ये कट गया, 3×2=6 आ जाएगा, 6 मीटर. तो ये गलत है, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा जो है वो ये ब्लैक वाला लाइन है ना कि ये वाला लाइन है. तो यहां से हमको नहीं जाना था, हमको वर्टिकल हाइट लेना था. तो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वर्क डन तो एमजीएच आने वाला है.
अब भैया यहाँ पे चक्कर क्या किया आप, वर्क डन एमजीएच कर दिए, हाँ कर दिए, तो वर्क डन बाय बॉय और वर्क डन बाय गर्ल, ठीक है। अब बात आ गया मास का, ठीक है, तो लड़का का मास हम बोले थे 30 किलो बोले थे, ग्रेविटी भैया दोनों के केस में सेम होगा, एवरीवन नोस दैट जी इज इक्वल्स टू 9.8 या 10 जो लेना ले, ठीक है, 9.8 लो या 10 लो, दोनों भैया कटने वाला है, और एच जो है वो भी सेम है, तो डजंट मैटर, ठीक है, एच ही ले लेते हैं, और 20 जी एच, तो यहाँ पे जी एच कट गया, 0-0 कट गया, तो 3:2 आ गया, वेरी गुड। जो जो बच्चा लोग निकाला है हम देखे हैं, बहुत बच्चा 3:2 निकाला है, और कुछ कुछ बच्चा 1:1 निकाला है, तो वो बच्चे लोग जो मास जो 1:1 निकाले वो लोग ये देखो कि यहाँ पे हम मास जब दे दिए हैं तो मास का भी इंटरफेरेंस हुआ है, जिसके कारण से इसका वैल्यू जो है चेंज होके 3:2 आ गया। लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम होता तो वहां पे आप लोग कर सकते थे 1:1, लेकिन क्योंकि दोनों का मास अलग अलग है तो 3:2 विल बी दी आंसर। खत्म हो गया ये वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट वाज योर पावर। अब बहुत बच्चा पावर में 2 मिनट को चेंज कर रहा था, लेकिन कोई जरूरत नहीं था, ठीक है, कोई जरूरत नहीं था वहां पे चेंज करने का, भैया पावर ऑफ बॉय बाय पावर ऑफ गर्ल निकालना है ना हम लोग को, हाँ यही निकालना है, तो वर्क डन बाय बॉय बाय टाइम और वर्क डन बाय गर्ल बाय टाइम हम लोग ये कर लेते हैं, ठीक है, वर्क डन बाय बॉय और वर्क डन बाय क्या कर लिए, टाइम, और वर्क डन बाय गर्ल बाय टाइम। तो बता मेरे को जल्दी से, देख इसको हम कैसे तोड़ रहे हैं, वर्क डन बाय बॉय बाय टाइम इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे वाला उलट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये भी T1 T2 लिखना, वेरिएबल सही यूज करना क्योंकि टाइम भी अलग अलग है भैया, तो ये T1 हो गया, ये उलट जाएगा, T2 बाई क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब हम इसको ऐसे लिख देते हैं, WB और WG को इधर कर दिए, और ये T2 बाई क्या हो गया, T1 हो गया। मेरे को बताओ हम लोग पिछला वाला क्वेश्चन में W बाई WG कितना निकाले थे, 3/2 निकाले थे, तो भैया ये 3/2 आ गया। अब टाइम जो है ना भैया, आप बोलना चाहते हो लड़की जो लगाई थी T1 वाज किसका टाइम, लड़के का, लड़का लगाया था 2 मिनट, लड़का कितना लगा, नहीं 3 मिनट लगाया था, और लड़की जो लगाई थी 2 मिनट लगाई थी, लड़की जो लगाई थी 2 मिनट लगाई थी, हम इसको मिनट को चेंज करेंगे सेकंड में, कोई काम ही नहीं है मिनट को, क्योंकि मिनट अगर रेशियो है, एवरीवन नोस दैट कि रेशियो कट जाता है भैया, तो मीन जो भी आएगा वो कट जाएगा, हमको कोई मतलब नहीं है इसको सेकंड में चेंज करने का, सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देते, टाइम यहाँ पे 2 पुट कर दिए, यहाँ पे 3 पुट कर दिए, 3-3 गया, 2-2 गया, देखिए कितना आ गया, 1:1 आ गया। तो ये आता है बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन ऐसा, ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है और तुमको हम पहले बता दिए, और सेम ऐसा एक क्वेश्चन तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है, क्योंकि वो बोर्ड का एक्सरसाइज बनाया हुआ है, तो उसी के हिसाब से, तो समझ में आ गया सब बच्चा लोग को यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं। अब इसके बाद देख फिर क्या बताता है, तो यहाँ पे वही चीज लिखा है कि तुम लोग देख सकता है कि दोनों पुली सेम वर्क किया है, क्यों दोनों पुली सेम वर्क किया, क्योंकि सेम मास को उठाया था भैया, सेम ग्रेविटी है और सेम हाइट पे उठाया था, लेकिन दोनों का पावर अलग हो जाएगा, क्यों पावर अलग हो गया भैया, इस कारण से क्योंकि दोनों समय अलग लगाया है। सबको क्लियर हो गया ना ये चीज, सबको क्लियर हो गया होगा ये चीज, ओके, ये वाला देख, ये चीज अभी हम डिराइव करके तुमको दिखा चुके हैं, ठीक है, तो तुम लोग सबको समझ में आ गया होगा, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है और आएगा। अब आता है यूनिट्स ऑफ पावर, तो आप लोग को बता दिया गया है कि पावर का यूनिट जो होता है वो क्या होता है, वाट होता है। अब वाट को डिफाइन क्या किया भैया, पावर इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम होता है, हाँ होता है, वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड, तो 1 जूल बाय 1 सेकंड को ही 1 वाट बुलाते हैं, तो चलो 1 वाट को डिफाइन करो, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड द पावर इज स्पेंट से टू बी 1 वाट। लीजिए भैया क्या बकवास करता है ये लोग भी, हाँ करता ही, हम तो बोल ही रहे। अब यहाँ पे इसका भी बता दिया, ठीक है, 1 किलोवाट, 1 मेगावाट और 1 गीगावाट क्या होता है, तो जब भी अगर तुमको ये मतलब देखो तुम लोग यहाँ पे देख, इसमें फिर छोटा यूनिट दिया हुआ है माइक्रो, और ये क्या होता है तुम्हारा देख ले, एक हो गया तुम्हारा मिलीवाट और एक हो गया माइक्रोवाट, तो ये छोटा यूनिट है, तो पता रखना चाहिए तुम लोग को, और कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे ये बात बताया और कुछ भी नहीं। अब ये वाला चीज बार बार बोर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछ चुका है कि नहीं कह सकते, एचपी, ये एचपी क्या होता है, हॉर्स पावर, पहले के जमाने में पावर जो होता है ना हॉर्स पावर के टन, घोड़े को बहुत शक्ति होता है, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, जैसे हम लोग के घर में समरसेबल मोटर होता है उसमें एचपी लिखा रहता है कितने एचपी का मोटर है, तो भैया 1 HP इक्वल्स टू होता है 746 वाट। बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत बार सेक्शन ए में ऐसे करके, 1 HP इज इक्वल टू --। बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन सब पूछा हुआ है, ठीक है, तो तुमको वही चीज बता रहे, ध्यान रखना 1 HP कितने वाट के बराबर होता है। अभी और आएगा, क्या वो आएगा भैया, 1 kWh,
ये बिजली का यूनिट है, तुम लोग को पता होगा लास्ट ईयर तुम लोग पढ़ा था, हम लोग के घर में जो भैया बिजली आता है ना, बिजली करंट आता है, वो किलो वाट में आता है, किलो वाट आवर, जिसको हम लोग यूनिट कहते हैं। एक किलो वाट आवर इक्वल्स टू एक यूनिट, ये ध्यान रखना। एक kWh कितना जूल के बराबर होता है वो भी जानो तुम लोग, 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है, ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। फिर और है अभी, एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है भैया, एक कैलोरी जो होता है 4.18 जूल के बराबर होता है, तो ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर होता है। तो यहाँ पे जितना भी अभी हम बॉक्स बनाए, तुम लोग भी अपने बुक में बॉक्स बना लो इसको, ठीक है। क्यों बॉक्स बना लो, क्योंकि भैया ये बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, या कन्वर्ट करने दे देता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर है भैया, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। ये बताओ तो क्या चीज है, एक इलेक्ट्रॉन पे याद है तुम लोग को कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻¹⁸ −19। ओके, तो उतना ही है। उसी तरह एक kWh, ठीक है, यहाँ पे एक यूनिट हुआ, एक कैलोरी यूनिट हुआ, तो यही चीज बताया है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। लास्ट चीज आता है एनर्जी क्या होता है, तो भैया बहुत सिंपल सा बात यही कहेंगे, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, ठीक है। जो भी चीज वर्क के लिए पढ़े हो, सारा का चीज एनर्जी के लिए भी है। वर्क ऐसा यूनिट भैया जूल होता है, एनर्जी का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो तुमसे अगर पूछेगा हाउ इज वर्क रिलेटेड टू एनर्जी, तो तुमको बताना पड़ेगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, जितना तेरे पास ताकत होगा तुम उतना ही क्या कर पाएगा, काम कर पाएगा। तो बस सिंपल सा ये चीज है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जरा सा एक और चीज मार्क करो, ये कैलोरी का डेफिनेशन दिया है, 1 कैलोरी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 to 15.5 डिग्री सेल्सियस। भैया यहाँ पे बहुत बार हम लोग पढ़े, सिंपल भी लिख सकते थे 1 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 14.5 to 15.5 इसलिए लिख दिया है क्योंकि इस टेम्परेचर पे बेस्ट टेम्परेचर है जहां पे एनामोलस एक्सपेंशन नहीं होता है। तो आप लोग को ये चीज ध्यान रखना है। ये चैप्टर बाद में भी आएगा, हीट चैप्टर है लास्ट में, कैलोरीमेट्री, उसमें भी कैलोरी के बारे में पढ़ाएंगे। अभी बस इतना सा एक डेफिनेशन है, मेन चीजें यहाँ पे यही है कि जूल के टर्म्स में बताओ कितना होता है। इफ आई से यू एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है, तो फटाक से 4.182 जूल होता है भैया। एक kWh कितने जूल के बराबर होता है भैया, 3.6 × 10⁶ जूल होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है भैया, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल होता है। एक HP कितने वाट के बराबर होता है भैया, 746 वाट के बराबर होता है। तो यही चीज बताएं, यहाँ पे खत्म होता है तुम्हारा। पावर और वर्क के बारे में, एनर्जी के बारे में तुम लोग को बता दिए। ये वाला देख, अब बॉय वाला है ना यहाँ पे 40 kg, सेम ये क्वेश्चन बनवाए हैं तुम लोग को, 30 नंबर, ठीक है। ये 3 नंबर सेम क्वेश्चन बनाए तुम लोग, आज एक बार घर में ट्राई करना, फिर हम लोग कल न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट करेंगे।